सा बड़ा प्यारा बन गया सबरिया
और मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर होए जब तेरा नाम thank you.
सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, जब जब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, सब वृंदावन बाके बिहारी लाल की। देखिए एक बात और कहना चाहता हूं, पंडित जी का काम केवल कथा कहना नहीं बल्कि श्रोताओं का काम कथा सुनना भी होता है। नहीं, हालांकि यहां तो सब सुनते हैं, लेकिन एक बात है, याद आ गई तो कथा के प्रारंभ में कह दिया, बीच बीच में बार बार अच्छा नहीं लगता ना। जिसके दिमाग में जो है उसको वही नजर आएगा, और जिसके दिमाग में सिर्फ हरि है उसको कोई काम नजर नहीं आएगा सिवाय हरि के। और ये मौका खासकर परीक्षित जी आपके पास 1 तारीख के बाद जल्दी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। संकल्प उठाना सरल है, संकल्प पूरा कर लेना कठिन है। संकल्प लेना तो सरल है, सहज है। हाँ महाराज, लाओ, ले लिया। 108 कुंडी के यज्ञ, शिव प्राण प्रतिष्ठा, श्रीमद भागवत कथा, सब ले लिया। लेने में क्या जा रहा है? हाँ, पंडित जी को ज्यादा प्रभावित करना हो तो 1 500 का नोट रख दो। 100 में प्रभावित ना हो रहे हो, 1 500 का नोट रख दो, तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। नहीं नहीं, यजमान है, वास्तविक कराने योग्य है, करा लेगा, क्षमतावान है। पंडित जी को क्या पता जी 500 रुपए बड़े भारी वाले नोट है। तो इस कार्यक्रम को बड़ी ही भावनात्मक रूप से एकीभूत होकर के करना है। देखो, हमारी सभी माताएं बहने भैया बंधु आज ठाकुर जी के जन्मोत्सव में शीघ्र अति शीघ्र आने लगे। ऐसा नहीं, बहुत सारा माल भी लाए ठाकुर जी के लिए आज। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़ी सुंदर तैयारी की गई है कृष्ण जन्म की। ठाकुर जी मेरे आने वाले हैं, मान लीजिए 1.5 घंटे में ठाकुर जी, 2 घंटे में आ जाएंगे। और यदि ईश्वर ने चाहा, क्योंकि उन्हीं के चाहने से कथा चलती है। और मैं तो हकीकत आपको बता दूं कि मुझे तो ये तक पता नहीं कि मुझे बोलना आता है या नहीं। हाँ, जब इस व्यास पीठ पर बैठ जाता हूं तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई प्रेरित कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं अभी 10 मिनट पहले तो काबिल ही नहीं था बोलने के,
पर अभी ये ऊर्जा कहां से आ रही है, अभी ये एनर्जी कहां से आ रही है? तो मेरा तात्पर्य यह था कि कम से कम आपने जो भी किया हो चार दिन, आज कृष्ण जन्म की कथा है, कहते हैं जब दसवां स्कंद लगता है भागवत में, तो मान लीजिए कि बड़ी गहन कथा है और बड़ा ही आध्यात्म है, पावन पुनीत पवित्र जीवन को तारने वाली हारने वाली कथा को स्पर्श करने जा रही है। ध्यान दे, यहां ठाकुर जी लगे हैं हमें एनर्जी देने में, वहां परीक्षित जी को लगे हैं भोले बाबा एनर्जी देने में। बेचारे एक टाइम भोजन करते भी हैं कि नहीं करते कुछ पता नहीं, बोले नहीं महाराज हमारा व्रत है, हमने सब समर्पित कर दिया है, कुछ नहीं पता नहीं कितने, बोले जाने कितने अनेकानेक पाप हुए हो, लेकिन इन नौ दिन में बिल्कुल सात्विक, हाँ मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं मेरे परिचित जी बिल्कुल सुंदर तरीके से पूजन करवा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मन शांत रहता है इनका, बड़े सुंदर स्वभाव। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल आपने कथा का श्रवण किया, बोले कहां तक महाराज, बोले षष्ठम स्कंद तक, षष्ठम स्कंद अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा सुन। अब आज आप सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हुए, यहीं से सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ है, और आज सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है। क्या प्रश्न किया कि सब प्रिय ब्रह्मल भूताना भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान बधी द्विषमायथ। महाराज एक प्रश्न है, क्या ये बताइए आप कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान समदर्शी हैं, ये मेरा प्रश्न है। और अगर भगवान समदर्शी हैं तो नित्य ही देखता हूं कि दैत्यों का वध करते दिखाई पड़ते हैं, क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं? भाई दैत्यों को ही मारते रहते हैं। बेटा थोड़ा सा शांति बनाओ, और आप लोगों को बैठना बहुत जरूरी है, हम ये नहीं कहते बच्चे कथा में नहीं आए, बिल्कुल ना आए, लेकिन बस थोड़ा सा शांति बना, थोड़ी सी जरा सी बस यहां से बोल सके। बोले भगवान यदि समदर्शी हैं तो भगवान नित्य दैत्यों का संहारी ही क्यों करते हैं, दैत्यों का संहारी क्यों करते हैं महाराज, दैत्य क्या उनके वैरी हैं? सुखदेव जी महाराज बोले, बोले परीक्षित ऐसा नहीं है, द्वादश भागवतों में मैं तुम्हें बताता हूं कि दो नाम ऐसे हैं जो दैत्यों के ही हैं, और वो भगवान के सबसे परम प्रिय भक्त हुए हैं। बोले महाराज वो कौन है? बोले तो परीक्षित सुनो, एक हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र, कौन? बोले प्रहलाद जी महाराज। कौन? बोले प्रहलाद जी महाराज। बोले दूसरे? बोले राजा वली।
दूसरे राजा बलि बलि ये कौन है परीक्षित? ये दोनों दैत्य वंशज है, दैत्य वंशज है दोनों। बोले ये दोनों ही दैत्य वंशज हैं, लेकिन भगवान के परम भक्तों में इनकी गिनती होती है, होती कि नहीं होती परम भक्तों में? तो ऐसा ना समझो कि दैत्य जाति के साथ भगवान दुश्मनी निभाते, ऐसा नहीं है। भगवान दैत्य जाति से दुश्मनी नहीं निभाते या उनका संहार करते हैं या उनका वध करते हैं, भगवान दैत्य सोच से का वध करते हैं। दैत्य सोच का जो मानसिकता आपकी दैत्यमय हो जाती है, राक्षसी प्रवृत्ति आपकी हो जाती है, फिर भगवान कहते हैं मानोगे नहीं मानोगे, तो भगवान फिर खुद आते हैं। जब आप उनके भक्तों पर अत्याचार करते हैं तब भगवान खुद आते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले आप देखो दैत्य हिरण्यकश्यप, दैत्य हिरण्यकश्यप भगवान का कितना कट्टर बैरी था कि नहीं? इतना कट्टर बैरी था कि नारायण नाम सुन के उसका पारा हाई हो जाता था। नारायण नाम ले दिया बोले हाँ हटो तुम यहां से, और अगर काबू में रहा बोले बंद कर दो इसको, इतना कट्टर वैरी। भाई साहब थोड़ी ये आज दो चार लोगों को लगाइए आप जो है थोड़ा शांति मैं कार्यक्रम होने दीजिए, क्योंकि आज बहुत समय भी अधिक लग जाएगा। नहीं नहीं इनको एक तरफ बैठा दो, बच्चों को आराम से एक तरफ, बेटा यहीं बैठ जाओ कहीं आराम से, एक तरफ भगाना नहीं कहीं, आराम से बैठा दो भाई साहब, आराम से बैठवा दो। आज हिरण्यकश्यप भगवान का अनन्य उपासक है, लेकिन नहीं हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर वैरी है, लेकिन इसका पुत्र अनन्य उपासक है भगवान का। पुत्र जो है अनन्य उपासक, और पिता बोले अनन्य दुश्मनों में गिनती है, बोले नारायण नाम लिया बोले बंद कर दो इसका तुरंत। लेकिन प्रहलाद के मन में चित्त में सिर्फ गोविंद ही विराजे थे। परीक्षित जी बोले आप तो ऐसे बता रहे हैं तो मेरा मन कर रहा थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, थोड़ा विस्तार से। बोले ठीक है परीक्षित, तुम कहते हो तो थोड़ा ही बताएंगे सूक्ष्म, क्योंकि अभी कृष्ण जन्म भी कराना है। बोले हाँ महाराज बस थोड़ा। तो अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भ्रातेर्व्यं विनिहते हरिणाक्रमूर्तिनः हिरण्यकश्यपो राजन् परितप्य दृशाशुचा। अरे परीक्षित, जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेकर के आपने कथा सुनी है, हिरण्याक्ष का वध किया, आपने कथा सुन चुके हैं भागवत में भी, हिरण्यकश्यप उसी समय से भगवान उसका इतना बड़ा बैरी बन गया। बोला जब तक नारायण तुम्हें हम घाट पे नहीं लगा देंगे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब बताओ कोई एक जड़ व्यक्ति साधारण थोड़ा सा सम्मान पाकर के, थोड़ा सा यश कीर्ति वैभव पाकर के और कहे नहीं हम नारायण को घाट पे लगा देंगे, तो सोचो आप विचार करिए उसके पास कुछ भी क्यों ना हो वो जड़ है कि नहीं है, जड़ है कि नहीं? उसको जिसका तुम्हें कुछ पता भी नहीं है उसको घाट में लगाओगे कैसे? सोचने वाली बात है, कुछ तो पता भी होना चाहिए।
इतना बड़ा बैरी बन गया आप। किसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और उसी बीच इसने भगवान से वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। इसने मांगा भगवान, ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे ज्यादा वरदान दे देते थे। बोले वरदान क्या चाहिए? बोले वरदान महाराज चाहिए, सुनो। बोले ना बाहर मरू ना भीतर मरू। कहा? बोले ना बाहर मरू ना भीतर मरू, ऊपर मरू ना नीचे मरू। बोले और ना दिन में मरू ना रात में मरू, और ना कोई इंसान से मनुष्य से मरू ना जानवर से मरू। और बोले महीने में जितने दिन हो पूरे महीने में किसी दिन ना मरू, साल में सब कुछ मांग डाला सोच सोच के कि कुछ बचे नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी बिना सोचे समझे ही बोले इन 12 महीनों में किसी महीने में मैं मरू नहीं, मेरी मृत्यु ना हो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, चार पुत्र हैं। कौन से? अहलाद, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। ये 4 पुत्र हैं। शायद आपने एक ही पुत्र सुने हो अभी तक, प्रहलाद। अब इसीलिए बार बार कह रहे हैं कथा का श्रवण थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। कुछ चीजें हैं, इतना ज्ञानी नहीं हो लेकिन थोड़ा ऐसा, थोड़े बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं बता दूंगा। पुत्र हैं आह्लाद, अनुहलाद, सहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे, क्योंकि माता के गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही नारायण नारायण का जब हृदय में बस गया। बोले कैसे बसा? बोले एक बार जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए थे, यही बताया ना, मंदराचल पर्वत पर जो तपस्या करने गए थे हिरण्यकश्यप, तो ये तपस्या में लीन थे और इंद्र इनकी पत्नी कयादु को हरण करके ले जा रहा था। इनकी पत्नी कयादु को हरण करके ले जा रहा था। उसी समय नारद जी आए। नारद जी के डांटने फटकारने पर अनेक प्रयत्न करने पर अनेक प्रयत्न करने पर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को इंद्रदेव ने छोड़ा। और हिरण्यकश्यप तो अपनी तपस्या में लीन थे, यहां नारद जी ने नारायण नारायण का पाठ सिखाया। वो पाठ जो है कयादु को तो बताया ही, क्योंकि कयादु बहुत ही पतिव्रता सज्जन और सरल स्त्री है। लेकिन वह पाठ उनके गर्भ में पल रहे बालक के अंदर जाता रहा, और उस समय उनके गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज पल रहे थे, पोषित हो रहे थे। इसलिए ये प्रतिभाशाली बचपन से ही है। और बोले कैसे? बोले कृष्ण भक्त हैं, बहुत बड़े, थोड़े से बड़े हुए आज पहला तो अपनी शिक्षा का असर दिखाने लगे। सुंदर मोहिनी मूरत है, छवि तो मानो जैसे ठाकुर जी जैसे लग रही हो,
मानसोता ठाकुर जी का स्वरूप हो। ध्यान दीजिए, मेरे कृष्ण के भक्तों के चेहरे पर उनकी छवि नजर आती है, उनका आशीर्वाद नजर आता है, तेज चमकता रहता है, जो मेरे गोविंद के भक्त होते हैं। प्रहलाद जी महाराज थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने कहा अरे बेटा इसको ऐसा करो आश्रम भेजो शिक्षा के लिए, आश्रम के लिए भाई निकाला गया। अब जो है दैत्यों का जो पढ़ाई का तरीका था वो अलग है, जैसे आपने क्या गुरुकुल में भेजा जाता है, तो गुरुकुल में भेजने पर उनसे कहा जाता है कि भैया सब किसी से बैर नहीं करना है, अहिंसा परमो धर्म और अद्वितीय देवो भव इत्यादि अच्छे अच्छे तरीके बताए जाते, सम्मान की बातें बताई जाती हैं। लेकिन दैत्यों के यहाँ एक ही पाठ पढ़ाया जाता था, नारायण से दुश्मनी, नारायण हमारा कट्टर विरोधी है। हाँ हम लोग दानव पार्टी के हैं, वो ईश्वरी पार्टी के हैं, तो हम लोगों का वोट बैंक बढ़ाना है। भ्रष्ट नीतियां सिखाई जाती हैं आज, और आश्रम गुरुदेव बोले शुक्राचार्य जी का आश्रम संड अरमक, वहां पर उनको विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। प्रहलाद जी महाराज वहां गए, इनका अध्ययन चालू। अब वो कहें गुरुजी प्रहलाद ऐसे ऐसे ऐसा करना है, नारायण हमारे विरोधी हैं, कई बातें जब इनको सिखाई जाएं तो ये वो रंग उनका चढ़ नहीं रहा प्रहलाद जी पे। क्यों? बोले रंग तो चढ़ा हुआ है कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम का रंग चढ़ा हुआ है तो बताओ और कोई रंग कैसे चढ़ जाए। बहुत दिन बीत गए प्रहलाद जी को शिक्षा अध्ययन करते करते, और वहीं एकांत में बैठकर नारायण नारायण नाम का भजन करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप की इच्छा हुई कि जाओ अपने अपने पुत्र से मिलाया जाए, चलो चलो अपने पुत्र से मिलाया जाए। ये चरणामृत भरवाने की व्यवस्था की है जो माताएं बहने ला रही है। एक आध जो कमेटी कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव रहिए। और ये रस्सी हटवा दीजिए भाई साहब, तो माताएं मैंने बिचारी सुनिश्चित तरीके से आ सके, परेशान ना हो, ये रस्सी हटवा दीजिए। देखो कितनी बुजुर्ग माताएं हैं बहनें हैं बेचारी जो है आ रही हैं पैदल चलकर, इतना ध्यान तो कमेटी का भी बनता है थोड़ा बहुत। हाँ तो क्या कहना था मैं कि एक दिन हिरण्यकश्यप का मन हुआ, हृदय हुआ कि चलो अपने पुत्र से मिलाया जाए। और जब हिरण्यकश्यप वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, बोले एक दासुर राट पुत्र मंगमारोप्य पांडव भगवान। आज बड़े प्यार से गले लगाया, आज बड़े प्यार से गले लगाया, अरे बेटा अरे मेरे पुत्र अरे मेरे लाडले अरे मेरे दुलारे कैसे हो, अरे मेरे पुत्र हम भी तुमसे दूर नहीं रह पाते, पर क्या करें शिक्षा अध्ययन तो कराना ही है। बोले थोड़े से शिक्षा अध्ययन के बाद हम आपको अपने घर वापस ले चलेंगे। अच्छा बेटा ठीक है, ये सारी बातें छोड़ो, अब ये बताओ कि अभी तक आपने क्या शिक्षा अध्ययन किया, क्या सीखा। तो अब जो है प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं
कि नारायण नारायण श्री वल्लारायण नारायण नारायण ने सुना नारायण तुरंत ही ऊपर से नीचे तलवे तक अंगुष्ठ तक जोरों का झटका लगा मानो जैसे बिजली का करंट लग गया हो। मैं सारे दुनिया को सारे लोगों को दंड देता घूम रहा हूं और मेरे घर में मेरा पुत्र नारायण नारायण जप रहा है। लेकिन प्रहलाद जी अभी प्रारंभ है। अरे पिताजी देखिए ये जो विष्णु मेरे गोविंद है ना इनकी भक्ति नौ प्रकार की है, इनकी भक्ति नौ प्रकार की है और इन नौ प्रकार की भक्ति को बड़े भाव से मानव को करना चाहिए और इनमें से नौ कर पाओ या ना एक ही कर लो तो जीवन सफल हो जाता है। नवदा भक्ति रामचरितमानस में जो दी गई है आपने सुना है अभी विगत सुन चुके हैं। बताने लगे प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा बोले गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुनगना करे कपट तजगान। इसी प्रकार नवदा भक्ति बताई और जैसे ही नवमी भक्ति बताई क्या हरि नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे हरस नदीना। सरल स्वभाव मेरे जैसा सभी को समझो और मुझ में भरोसा बनाए रखो। जैसे ही कहा हिरण्यकश्यप मारे क्रोध के लाल हो गया और तुरंत कहा जाओ गुरुदेव को बुलाओ तुरंत बुलाओ इसी वक्त बुलाओ। अब जैसे गुरुदेव ने सुना कि हिरण्यकश्यप ने बुलाया है अब काहे के लिए गुरु जी के नेत्र बिल्कुल लाल पीले होते जाएं अब क्या होगा। आज तो सिर क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा दी गई कि गुरु के साथ करना क्या चाहिए ब्राह्मण के साथ करना क्या चाहिए। दैत्यों का तो भाई अलग ही साम्राज्य है। हाँ दैत्यों का क्या है चाहे पंडित जी हो चाहे गुरु जी हो चाहे को वो तुरंत तलवार सिखाया ही नहीं ना शिक्षा ही नहीं है। अब तो गुरुजी डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हिरण्यकश्यप के सामने पहुंचे बोले महाराज आ गया। देखो गुरुदेव कह रहे महाराज आ गया बताओ। अरे गुरुदेव ये क्या है क्या हो गया प्रभु ये मेरा बालक बार बार नारायण जाप कर रहा है बार बार नारायण नारायण जाप कर रहा है आपको पता नहीं कि नारायण मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। आज गुरुजी ने
अनेकानेक प्रकार से हिरण्यकश्यप को समझाया, अरे वो मैंने देखा नहीं, अरे ऐसा हो गया, वो अन्य बालकों के साथ भी रहता है, उनको भी सिखाता है, लेकिन हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन महाराज एक अवसर दे दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज हिरण्यकश्यप ने एक अवसर देकर हिरण्यकश्यप बोला, चलो ठीक है आगे से, लेकिन यदि ऐसी शिकायत मिल गई, भाई पुत्र है, नहीं कुछ कर सकता, कहीं ना कहीं पुत्र मोह तो है ही। आज हिरण्यकश्यप सब छोड़ छाड़ के चला गया। उसके बाद प्रह्लाद जी अपने कार्य में लीन हो गए, शिक्षा प्रदान फिर होने लगी, फिर सिखाने लगे गुरुदेव, नारायण विरोधी हैं और बिन सोचे समझे किसी का वध कर दो, बिन सोचे समझे गालियां दे दो, इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाने लगी। कुछ दिन बीते, समय आया कि प्रह्लाद जी को, समय पूरा हुआ थोड़ा सा शिक्षा का, अब आज प्रह्लाद जी को हिरण्यकश्यप ने महल में बुलाया। ज्यादा विस्तारित नहीं सुना रहा हूं, सूक्ष्म में सुना रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आगे। तो जो है हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को बुलाया, प्रह्लाद जी महाराज महल में पहुंचे, महल गए, फिर वही लाल दुलार गोद में बिठाया, सिंहासन पर अपने साथ बिठाया, आओ बेटा। अब मन में सोचा, अब तो कुछ सीख ही लिया होगा, अब तो कुछ अध्ययन पढ़ ही गया होगा, अब तो कुछ नया बिल्कुल हम लोगों जैसे आ गया होगा। लेकिन जैसे ही प्रह्लाद से ये पूछा, बेटा अब बताओ अब क्या सीख के आए हो, कुछ सुनाओ, प्रह्लाद जी काहे के लिए शुरू हो गए, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे पिताजी, कोई जानता ही नहीं है लेकिन हम जानते हैं, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, कुछ मिल गया कुछ मिल गया कुछ मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, कुछ मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, कुछ मिल गया मन का जाने कोई
छबी लखी मैंने श्याम की जब से ने सुना निकाली तुरंत खड़क बोले आज मैं इसका वध कर दूंगा, लेकिन एक पुत्र मोह का पर्दा आगे आ गया। बोले अरे मैंने इतना कुछ किया, गुरुदेव को बुलाया, शुक्राचार्य जी आ गए, सब इकट्ठे हो गए, सब लोग आ गए। बोले भाई क्या मामला है? महाराज हमने बहुत कुछ कर लिया, आपका बालक मेरे हाथ में लग नहीं रहा, संभलने वाला नहीं मुझसे, मुझे तो पक्का एहसास हो गया, क्या करें? महाराज अब आप ही तो महाराज हैं, जो जाने सो करें, हमसे महाराज कुछ ना हो पा रहा। अच्छा फिर, लेकिन क्रोध से बड़ा भरा हिरण्यकश्यप कनक कश्यप आदेश से आदेश दिया तुरंत दैत्यों को क्रोध में। दैत्य महाबलवान महागज पर्वत शिखर विषहिम जल अग्नि महान, कहा जाओ इसके जैसे बने, मैं तो प्राण नहीं ले सकता, लेकिन जाओ इसके तुम प्राण ले लो, कारागार में डलवा दिया, पर्वत से नीचे फिकवा दिया, एक पागल हाथी के नीचे डलवा दिया अपने पुत्र को। हद तो तब हो गई जब अपनी बहन होलिका को बुलाया, बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जी हो।
विष हिमजल अग्निमान प्राण लेने का आदेश दे दिया दैत्यों को। इसके कैसे भी बने जैसे बने इसके प्राण ले लो तुम लोग। बड़े बड़े पर्वतों से शिखरों से गिराया। दिगजेर दल सुकेश अविचारा विपात नहीं पाया विसल्ली रोधेश गरदान भोजने। पानी में डुबोया विष पान कराया और बोले भोजन पर प्रतिबंध भी लगा दिया लेकिन फिर भी विफल ही रहा। और अपनी बहन होलिका देवी को बुलाया लेकिन कहते नहीं है। तीन दिन से बराबर कह रहा हूं यदि आप मेरे गोविंद के भक्त हैं मेरे कृष्ण के भक्त हैं तो मेरे कृष्ण में एक आदत बहुत महान है वो कौन सी कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। टलने नहीं देते भक्त का मान कोई कुछ भी क्यों ना कर डाले पर भक्त का मान टलने नहीं देते मेरे गोविंद मेरे कृष्ण मेरे माधव उनमें ये आदत है अपने भक्त का मान कभी नहीं टलने देते। ऐसे मेरे मनोहर मुरलीधर मेरे कृष्ण है मेरे गोविंद। होलिका ने अपने गोद में बिठाया उसको जलाने के लिए लेकिन आज मेरे गोविंद ने एक हवा की पुकार लगाई और जो होलिका के पास दिव्य चुनरी थी उड़ के बैठ जाती थी और स्वतः बच जाती थी दूसरों को जला देती थी। इतना भीषण तूफान सा आया चुनरी उड़ गई जाके मेरे प्रहलाद जी महाराज पर लपेट गई और होलिका देवी का दहन हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मेरे प्रभु ने होलिका का उद्धार कर दिया। आज जब प्रहलाद जी महाराज फिर भी बच गए अब तो हिरण्यकश्यप को चिंता हुई चिंताम दीर्घताम प्राप्त सिर पकड़ कर बैठ गया। अब क्या करेंगे क्या होगा कैसे होगा कौन है कोई तो है इसके साथ कोई तो बात है ऐसे कैसे बार बार बच रहा है। महल में ले गया फिर गुरुओं को बुलाया कुछ भी करो तुम लोग कैसे भी करो इसको सुधारो ऐसे तो काम बन नहीं रहा है। फिर आश्रम फिर भेजा गया इनको लेकिन जब ये दोबारा फिर आश्रम गए वहां पर इन्होंने क्या किया कुछ अपने मित्र से पार्टी इकट्ठी किए और खेलने लगे और खेलते खेलते प्रहलाद के मित्रों ने पूछ लिया कि हम तुम जल में लीन एक संगा और खेलत रहे बेहंग तुरंगा और तुम तारी भक्ति कहां ते पाई मुनि दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। अरे प्रहलाद ये तो बता दो ये जो हरि भक्ति तुम करते हो ये कहां से पाई कहां से लाए ये ज्ञान कहां से आया कैसे जाना। प्रहलाद जी बोले प्यारे मित्रों अरे मेरे बंधुओं बोले देखो जिस पर उसकी कृपा हो जाती है उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती हो जाती है। सो जानी जी देव जनाई और जानत तुम्हें ही है जाई।
की सो जा नहीं जीते हो जनाई, उसको वही जान पाता है जिसको वो जनवाना चाहते हैं। और जानते तुम ही है जाई, कारण जान कौन नहीं पाता। बोले संसार में तो आए, इस संसार में आए लेकिन उनको जानने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि लगे रहे विषयों विरागों में। बोले खाना जाना और पीना जाना, क्या क्या जाना? बोले खाना जाना और पीना जाना, और क्या जाना? बोले लड़ना जाना, झगड़ना जाना। ध्यान दीजिए, खाना जाना, पीना जाना और लड़ना जाना, झगड़ना जाना। अरे खाना जाना, पीना जाना और सो जाना है। खाना जाना, पीना जाना और बोले और सो जाना है और सोना जाना। बोले और? बोले लड़ना जाना, झगड़ना जाना और ईंट जाना है। लड़ना जाना, झगड़ना जाना और छोटी छोटी बातों में ईंट जाना। नहीं, आपने देखा कुछ लोगों का नेचर होता है इतनी तीज बात पे जबरदस्ती ईंटे फिर रहे। तो और बोले भाई जाना। हाँ, अगर हमारे परीक्षित जी ने खाली भाई जाना हो, और बोले बहन जाना, और बोले और रिश्तेदार जाना है। भाई जाना, बहन जाना और रिश्तेदार जाना है। बोले सब कुछ जान लिया आपने। बोले पर उसको नहीं जाना है, जिसके पास तुमको जाना है, जिसके पास तुमको जाना है। सब कुछ जान लिया पर उसको नहीं जाना, जिसके पास तुमको जाना है। ऐसे जानने से तुम्हारा क्या फायदा जब कुछ हाथ ही ना लगा। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की। मित्रों को सब कुछ समझाया, बहुत सुंदर संकीर्तन गा रहे हैं मित्रों के साथ। नारद जी ने यह दृश्य हिरण्यकश्यप को बता दिया। नारद जी की आदत है जल्दी काम करते हैं अपना। नारद जी बोले देखो तुम्हारे सुपुत्र जिक्का कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे परीक्षित जी और इनके पुत्र, अब बीच में कोई नारद मुनि आ जाए। हाँ, बोले देखो साहब क्या कर रहे वे। अरे ऐसे ही मानो नारद जी ने तुरंत काम किया। हिरण्यकश्यप बोला अभी नहीं सुन रहा। बोले चलो सुन के नारद के वचन, और तब चल भये सुरेश, और दुखित देख मुनि मात कहे, देने लगे उपदेश। आज कयादु को दुखी देखा तो दुखी देखकर नारद जी कहने लगे धीर धरो आए हैं नारायण, धरो धीर। कयादु थोड़ी सी संतोषी की आवश्यकता है, नारायण आएंगे। कयादु बोली महाराज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, एक तरफ मेरा पुत्र है, एक तरफ मेरा पति है, क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। श्रुत्वा तद प्रियम दैत्यो दुस्सहम तनयानयम, अपने पुत्र की इस अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे आज हिरण्यकश्यप जा रहा है। कहां आज जा रहा है? बोले कहां? बोले प्रहलाद का वध कर रहा है। आज प्रहलाद को पकड़ा और महल के बिल्कुल बीचों बीच लाके खड़ा किया। बोले आप बता, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कयादु का मन घबरा रहा है। नारद जी बिल्कुल बार बार इशारा कर रहे हैं, बेटा शांत, बोलना नहीं, नारायण नारायण जपो। देखो तो न
नारद जी को देखो तो पत्नी से कह रहे बोले नारायण नारायण जपो। हाँ इधर पति के गर्दन में तलवार रखने वाली है और बता भी रहे कि रख जाएगी और बोले शांत रहो। अब बताओ ऐसा कौन करेगा। लेकिन कयादू बहुत गंभीर है, पहचानती है कि नारद कौन है। नारद ना रद, जिनकी बात नारायण कभी रद्द नहीं करते वो नारद। आज पकड़ा पहलाता हाथ अब बीच में लेके आए, बोले आप बता आज नहीं छोड़ूंगा, कहां है तेरा हरि, कहां है तेरा गोविंद, कहां है तेरा माधव, बता मुझको। कह दिया पहलाद ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई भगवाना। प्रेम ते मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। आज पकड़ा हिरणा का सब का जब हाथ पूछा कहां, बोले पिताजी हम कितनी बार बताएं, वो चारों दिशाओं दसों दिशाओं में है, कोने कोने में है, कण कण में है, मुझ में है, तुम में है, सब में है। पहला जी कहते हैं पिताजी अरे नहीं अंदर नहीं बाहर में, कहां, बोले नहीं अंदर में बाहर में, नहीं आम में है नहीं खास में है, और नहीं योग में है नहीं भोग में है, ना विरक्त में नहीं विलास में है। आप क्या सोच रहे हो, वो किसी खास चीज में नहीं है, और नहीं वेद विधान में नहीं ज्ञान में है, और नहीं संयम बिंदु उपास में है, ना पाताल में है ना आकाश में है। अगर आप पूछना चाहते हो तो कहां है, मैं बताता हूं। यदि प्रेम है तो प्रभु अपने ही पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु अपने ही पास में है। हिरण्यकश्यप बोला प्रहलाद इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि तब प्रहलाद सभा में बोला, और भेद भाव मन का सब खोला, और अरे पिता मोर प्रभु है सब ठाऊ, और जाके है अनंत गुण गाऊ, और तुम में सभा सदन में, और जल थल गिरि बन कुंज गलिन में, और पिता नहीं को ऐसो ठाओ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां न राजत श्री नर नार, जहां नारायण का निवास ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं है, और हमको देखे परत सब ठाई, और तुमको देख परत नहीं काई। मुझे सब जगह दिख रहे हैं तुम्हें नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों। और देखो सन्मुख कृष्ण विराजत, और लख छवि काम कोटि मन लाजत। प्रहलाद बोले
पिताजी इस संपूर्ण सृष्टि में अणु अणु में कण कण में मेरे अंदर आपके अंदर सबके अंदर इस खंभे में उस खंभे में सब में नारायण है, सब में नारायण विराजित है। हिरण्यकश्यप बोला बहुत बोल रहा है छोटे से बालक, अब बहुत हुआ पुत्र मोहे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ बिल्कुल तलवार निकाल के, बोले बताओ कहाँ है तुम्हारे नारायण। हाँ टेल मी कहाँ है कौन, बोले नारायण बताओ। जैसे ही तलवार निकाली बोले अब तुम कुछ नहीं बता पाओगे, तुम कहते ही रहोगे खंबे में है इसमें है। बोले हैं जी ना खंबे में। हाँ बोले हैं जी खंबे में। बोले हाँ है पिताजी है ना इसमें भी। बोले इसमें भी है। बोले हाँ इसमें भी है। और बोले अगर इसमें है तो रुको अभी हम निकालते तुम्हारे नारायण को। तो एक झटका सा दिया प्रहलाद को और तलवार फिर से म्यान में डाली और तुरंत निकाला गदा। बोले लाओ मैं तुम्हें बाद में पहले तुम्हारे नारायण को देख लेता हूं अगर इस खंभे में। और निकाल गदा को और मारा एक जैसे ही उस खंभे में तो हुआ क्या कि गड़ गड़ गड़ान्यो फाट्यो है चर चराई के। क्या बोले गड़ गड़ गड़ान्यो फट्यो है चर चराई के अन्य किस्यो है नरसिंह रूप अति ही भयानो है। और कट कट कटावे डाने और दसन लप लपावे जीभ और अधर पर फरावे मूछ ब्यो में व्याप मानो है। और फर पर फराने लोग और डर डर डराने धाम और धर धर धराने अंग और चिते चेत खानो है। जैसे ही देखा अरे इतने भयानक एक बिल्कुल नरसिंह भगवान अवतार ले लिए। बोली नरसिंह भगवान की आज बड़ी बड़ी मूछे गड़गड़ करता हुआ आसमान बिल्कुल चरचराया हुआ खंबा फट गया एकदम से, डाणे कटकटाती हुई बिल्कुल एकदम से कट 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 बोल रही है। अब तुम तबला से ना कटकटाओ है ना, हम बता रहे हैं। आज बड़ा भयानक आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि कैसा दृश्य होगा जब कथा में ये दृश्य है उस समय क्या दृश्य होगा जब नारायण अवतार लेके आए होंगे। थर थर थराने अंग लोग डरने लगे ये कौन है। चिते चेत खानो जिस तरफ देखते लोग सोचे अरे हमें खा लेगा कौन है ये। हाँ लेकिन कहते रघुनाथ कोप कर जे नरसिंह जबो अपने को पयो दी मानो तड़ तड़ानो है मानो तड़ तड़ानो है। आज बिल्कुल प्रलय सा कर दिया भगवान ने एकदम से। आज खंबे से मेरे गोविंद मेरे भक्त वत्सल भगवान बाहर कर बाहर होकर आ गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और बाहर निकलते ही नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया इतना भयंकर आवाज में अट्टहास किया कि सारे दैत्य सबसे पहले मूर्छित हो गए। सबसे पहले सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यप घबरा गया अरे कौन है, भगवान ने बोलने का मौका नहीं दिया, तुरंत पकड़ा और अपनी गोद में उठा लिया गोद में उठा लिया। बोले बताओ बेटा क्या कह रहे थे, हम ही से काम था। नहीं नहीं हमारी बात तो सुनो। क्या बात सुने। और भगवान जहां से अपने बड़े बड़े दांत दिखाए थे हिरण्यकश्यप काहे के लिए जो है पसीना पसीना हो जाए। अब सोचो जैसे रात का समय, समझने वाली बात है, हम एक एक चीज महसूस भी कराएंगे। रात का समय हो जैसे मान लो यही आटा में हटाओ, आप लोगों से उदाहरण नहीं दूंगा, हम अपने परिचित से उदाहरण देंगे। जैसे हमारे परिचित जी वैसे तो खतरनाक है बहुत, ऐसा भी नहीं सरल सरल हम कहते हैं तो सरल ही है डेंजर भी है। और मान लो ऐसे ही कोई व्यक्ति, छोड़ो इनको भी छोड़ो,
एक कोई और व्यक्ति उदाहरण है, कोई एक व्यक्ति आटा स्टैंड से बिल्कुल अकेले रात में 1 बजे हूं और चला आ रहा हूं, और रास्ते में कम से कम 7-8 कुत्ते लगे हूं, हाँ, और सब जो उस कुत्ते जो है उस व्यक्ति को गिरा ले और उसके ऊपर चढ़ जाए और दूर तक कोई बचाने वाला ना हो, और बड़े बड़े जब दांत दिखाए वो, तो सोचो उस समय उस व्यक्ति की पोजीशन क्या होगी। जब एक कुत्ता दौड़ा लेता है और अकेले होते हैं तब क्या होता है, और 7-8 कुत्ते हो तो सोचो उस समय व्यक्ति की पोजीशन हालत क्या होती है। भाई हमने तो महसूस किया एक आध बार, अभी हमने कल ही किया, कल हम जा रहे थे रास्ते में, कई कुत्तों ने हमारी गाड़ी दौड़ा ली, 4-6 कुत्ते गाड़ी के इस तरफ, 4-6 कुत्ते इस तरफ, तो ऐसा भयानक मंजर, ऐसा भयानक मंजर। आज हिरण्यकश्यप पसीने पसीने हो गया एकदम से, बोले हमारी बात सुनो तो पहले, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, अरे हम नारायण की बात कर रहे थे, अरे मैं नारायण ही हूं, अच्छा तो एक बात हमारी सुन लो, तुम मुझे मार नहीं सकते अगर नारायण हो। बोले क्यों, बोले ब्रह्मा ने वरदान दिया है। कैसा वरदान दिया है, बोले तुम अपने वरदान तो गिनाना जरा। बोले तो सुनो, बोले ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। अच्छा भीतर नहीं मरोगे बाहर नहीं मरोगे, बोले तो परेशान ना हो, तुम इतने होशियार नहीं हो जितने हम हैं। बोले हम इस समय तुम्हारी बिल्कुल बीच देहरी में बैठे हैं, ना भीतर है ना बाहर है, बिल्कुल बीच देहरी में, इसीलिए इसका निर्माण हुआ है देहरी का। हाँ बोले और कोई वरदान है, बोले हाँ है, बोले ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। बोले बेटा ना तुम ऊपर हो ना नीचे हो, सीधे हमारी गोद में हो तुम, हाँ, और मैं ना अस्त्र से मरू ना अस्त्र से मरू। बेटा तुम्हारे लिए किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है और शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों, मेरे लंबे लंबे मोटे मोटे पीने नुकीले नाखून ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बोले और ना दिन में मरू ना रात में मरू। बेटा ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। कैसा, बोले संध्या का सायकालीन वेला है। बोले ना मनुष्य से ना जानवर से। अरे तो मैं कहां मनुष्य हूं कहां जानवर हूं, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है। अब तो हिरण्यकश्यप घबराया, बोले महाराज अब क्या करूं, कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उपाय करने से कोई फायदा नहीं, मारा फिर भी जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। अब समझ गया कि आप बचाने से रहा, अब नहीं बचूंगा, अभी मार देगा मुझे, कुछ नहीं होगा। देखो हमें याद भूल जाती है पर चेताई है कोई, आज का सायकालीन बेला का प्रसाद जो है परीक्षित जी का तो है, वो भव्य सो है, और कुछ प्रसाद जो है हमारे श्री कुलदीप तिवारी ग्राम आटा ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करना चाहते हैं, तो उनको मंच से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद हमारे बड़े भैया कुलदीप तिवारी ग्राम आटा। और ये भी लिखा है कि महाराज जितना बन सके उतना हमें को लगाइए थोड़ी बहुत, तो हमने कि सभी का लगेगा भाई, ऐसा नहीं है जिसको लगाना प्रसाद में क्या। हाँ आज हिरण्यकश्यप को गोद में उठा लिया, बोले अब कुछ रह गया, बोले जल्दी बोलो कुछ रह गया। बोले महाराज एक मिनट रुक जाओ, बस महाराज एक मिनट। बोले क्या, बोले जल्दी बताओ। बोले महाराज एक और वरदान अब हमारा बाकी है। हाँ बोले कौन सा वरदान।
बोले हमने कहा था कि हम 12 महीनों में कोई महीने में एक ही दिन न मरे। बोले परेशान ना हो बेटा, इसका तो हम उपाय पहले लेके ही चले थे। बोले कौन सा? तुम्हारे लिए ही तो ये स्पेशल अधिक मास बनाया है। हाँ, क्यों परेशान हो रहे? अब सारे वरदान खत्म समाप्त। बोले अब तो प्रभु तुम उद्धार कर ही दो, क्योंकि ना तो वरदान बचे ना हमारी पास इतनी बातें, क्योंकि तुम बातों के हो बनैया और सबसे बड़े हो मुरली बजैया और छलने वाले हो छलैया, तो अब तुम हमको हर लो महाराज। प्रभु ने नुकीले अपने तेज में नाखूनों से सीने को फाड़ दिया। आज हिरण्यकश्यप के बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज हिरण्यकश्यप का वध किया, भगवान बहुत क्रोधित हैं, कोई उनके पास नहीं जा रहा है। लक्ष्मी माता आरती उतारने के लिए आए, हिरण्यकश्यप का वध हो गया। हिरण्यकश्यप माने अभिमान का वध हो गया। आज अरविंद भैया ये पीछे थोड़ा बिछाई करवाओ और ये बैरिकेड करवा दो बिल्कुल, इधर नहीं धूप है भी, माताएं उनके लिए ठीक नहीं है, आप समझो। ये पीछे मैटियां जो पड़ी हैं ये डलवाओ, यहाँ पे सब पीछे काफी है, जगह करवाओ वहां डलवाओ। दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज की, कोई कमी नहीं है और किसी भी श्रोता को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जी। आज मैया लक्ष्मी भी घबरा रही हैं और माता लक्ष्मी ने देखा कि अब प्रभु का मनाने का रास्ता क्या, तो प्रहलाद को भेज दिया। और भगवान ने जैसे अपने भक्त को देखा तो जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसी प्रभु मेरे आज प्रहलाद जी महाराज को अपने जीवा से चाट रहे हैं, चूम रहे हैं उनको, उनको गोद में बिठाया। प्रहलाद क्या चाहिए मांग लो। देखिए प्रहलाद जैसा पुत्र होना भी बढ़िया अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। क्या चाहिए प्रभु? आप सामने हो तो आप क्या चाहिए? आप कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहने की इच्छा भी नहीं है, कुछ चाहने की इच्छा भी नहीं है। आप मुझे कुछ मदद दीजिए। और हाँ, यदि आपकी ज्यादा प्रबल इच्छा देने की है तो एक चीज दे दीजिए। बोले क्या? बोले मेरे पिता को अपने वैकुंठ लोक में स्थान दे दीजिए। देखिए एक प्रहलाद जी हैं ऐसे पुत्र जो कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरे पिताजी को अपने वो लोग धाम में निवास दे दीजिए। प्रभु बोले बेटा मैं जिन पर कृपा नहीं करता वो मेरी पूजा आराधना कर कर मेरे गोलोक धाम आते हैं, इनको तो मैंने अपने हाथों से इनका उद्धार किया है, इनकी रास्ता सीधे मेरे गोलोक धाम के लिए है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है, भागवत कथा में उल्लेखन है। और भगवान प्रहलाद जी महाराज से प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी वर मांगने के लिए बहुत कहा, लेकिन प्रहलाद जी ने वर नहीं मांगा। पिता को अपना गोलोक धाम दे दिया, हिरण्यकश्यप को भगवान ने, और प्रहलाद जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि तुम शुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरे नित्य पार्षद बन जाओगे। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद देकर अंत ध्यान हुए और प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और क्रिया कर्म विधिवत हिरण्यकश्यप का सारा क्रिया कर्म किया। तत्पश्चात प्रभु की
आराधना में लग गए मेरे प्रहलाद जी महाराज। बहुत सुंदर एक पद है कवित्व, किशोर अनेक फिरे कड़ मांगत, किशोर अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहा, ताल मजी रा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादे कहा। और कहा कि नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कालन को प्रहलाद कहा। इतनी बड़ी प्रहलाद चरित्र में पूरा सार मैंने आपको इन चार लाइनों में बताया, आपको समझ नहीं आया। मुझे समझ आ रहा है कि आपको समझ नहीं आया है क्या। सुना आपने, किशोर अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहां, और पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहां। बात लोग घूमते हैं, बात लोग मजीरे बजाते हैं, लेकिन जो मजीरों में कृष्ण की चाहत है वो मीरा जैसी आज कहां देखने को मिल रही। और सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादे कहां। ये बड़े नए नए पुराणों का रचना हो रहा है, नए नए पुराण रचे जा रहे हैं, जाने कितनों ने राम कथा लिखी, लेकिन जो तुलसी बाबा ने लिखी वो किसी ने नहीं लिखी। और कह दिया कि नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, नरसिंह प्रतिखंबे खंबे में बसे हैं ये सत्य है, लेकिन परिकारण को प्रहलाद कहां, परिकारण को प्रहलाद कहां। अब प्रहलाद खो गए हैं। बोले महाराज भगवान कहाँ है? अरे भगवान तो हैं, क्या तुम प्रहलाद हो, तुम ध्रुव हो? नहीं। फिर पूछते क्यों हो, भगवान कहाँ है? हाँ, यदि तुम प्रहलाद हो तो ध्यान देना कि हर खंबे में नरसिंह है, और तुम दैत्य हो तो पहले प्रहलाद को जन्म देना पड़ेगा। अगर तुम हिरण्यकश्यप हो तो ध्यान दो, तुम्हें प्रहलाद को जन्म देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें नरसिंह के दर्शन होंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आगे कथा आती है कि दत्तात्रेय और प्रहलाद जी का आगे संवाद हुआ है, और बहुत अद्भुत ज्ञान प्रहलाद जी महाराज को प्राप्त हुआ है। और यही से सप्तम स्कंद की कथा की संपन्नता होते हुए यही हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। देखिए बहुत करीब ठाकुर जी के जाते हुए, लेकिन ठाकुर जी से पहले कौन आएगा मालूम है आपको? अरे त्रिभुवन विदिति, त्रिभुवन विदिति अवध जेकर नौआ। कौन आएगा? अष्टम स्कंद प्रवेश कर रहे हैं,
संकीर्तन करना है तो वहां का सुना दे रहे हैं यहाँ। कितने भुवन बीते अवध जेकर नौवा और बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन बिदिते अवध जेकर नौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। अभी आपको पूरा सुनने को मिलेगा, लेकिन हमने आपको स्पर्श करा दिया वहां से कि ये आने वाले, यही आने वाले पहले, फिर उसके बाद मेरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की पावनमय मंगलमय पुनीत पवित्र कथा में आप अष्टम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। अष्टम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने मनवंतरों का वर्णन किया है। महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया है सुखदेव जी महाराज ने, बहुत सुंदर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली आदि चारों युग जब 1000 बार, कैसे बोले 1000 बार, ये चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कली, ये चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं, बोले 1000 बार व्यतीत होते तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ये चार युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, आप समझिए। आप ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, बोले कौन से हैं वो 14 मनवंतर, बोले स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनवंतर, स्वारोचिस दूसरा, तीसरा बोले औतम, चौथा तामस, पांचवा रौरव रौवत, छठा चाक्षुष, सातवा वैवस्वत, आठवा सावर्णी, नौवा दक्ष सावर्णी, दसवा ब्रह्म सावर्णी, ग्यारहवा धर्म सावर्णी और बारहवा रुद्र सावर्णी, तेरहवा देव सावर्णी, चौदहवा इंद्र सावर्णी, ये 14 मनवंतर है। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी का होता है, एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी का होता है, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ है, प्रत्येक हर एक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ है। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज और ग्रह के उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से। महाराज थोड़ा सा सुनाओगे क्या? कुर्सी में बैठलवा दो उनको। अभी नहीं, अनाउंस कर देंगे मंच से, बहुत समय अभी तो।
वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी ले चल रहे, हमें पता है पारीक्षित जी को अपने लल्ला बुलाने की जल्दी है। हाँ अरे नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, शर्माने की संकोचित होने कोई बात नहीं है। वो भक्ति क्या जिसको अपने प्रभु दर्शन का ही जल्दी ना हो। हाँ हमारे पारीक्षित जी बस ये चाहते जल्दी से बिल्कुल ठाकुर जी नन्हे से मुन्ने से सजे हुए दिख जाए। महाराज कितना प्रसाद मंगवाना है, कल रात में बोले बोले महाराज जी 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो बताना जहां से बताना वो मंगवा लेंगे। हाँ अरे हमने गिनना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, इतने बेचारे सरल हैं, बड़ा जो है भगवान के प्रति बड़ा ही जो है भावनात्मक स्नेह। सुखदेव जी महाराज कहते तो सुनो, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा कि ये परिचित क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत नामक एक पर्वत है, मतलब एक पर्वत है त्रिकूट, उसका नाम क्या है बोले त्रिकूट नाम है उसका। एक गजराज वहां रहते हैं, बल्कि किनके साथ, अपनी हथनियों के साथ, झुंड के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं। इतना बलशाली है गजराज कि सब लोग डरते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन एक बार अपने झुंड के साथ एक सरोवर में जल पीने के लिए अपने परिवारी जनों के साथ गए, तो जब ये परिवारी जनों के साथ गए वहां पर इन्होंने जल पिया सभी ने, और गजराज जैसे ही जल पीने के लिए गए और जल पी के थोड़ा सा मिले इधर उधर हुए कि वही नीचे एक ग्रह ने इनका एक पैर पकड़ लिया। अब ये बड़ी तेज तेज आवाजें लगाने लगे, भैया कौन है, क्या है, कैसा है, अरे छोड़ो। अब इनको थोड़ा सा और लगा तो और जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, अरे छोड़ो भाई कौन है क्या है। थोड़ी देर बाद ये अपने परिवार को याद करने लगे, समय का अभाव है इसलिए सूक्ष्मता लेके चल रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाए और कथा आगे भी जा सके। अरे छोड़ो भाई कौन है, थोड़ी देर बाद घबरा गए, अरे ये तो छोड़ ही नहीं रहा, ये तो अंदर का अंदर ही ले जा रहा है सीधे, अब क्या करें। बोले अब परिवारी जनों को बुलाएंगे। हाँ जब आदमी परेशान होता तो अपने भाई बहनों को बुलाता है, अपने परिवारी जनों को बुलाता है, लेकिन सारे परिवारी जन हाथ छोड़कर देखा उसको फंसा हुआ, समझ गए आज वो सब भी चल दिए। कारण दुख में कोई नहीं आता, सुख में सब आते हैं, दुख में कोई नहीं आता। क्यों कि सुख में आन सब ही मिल बैठत। ध्यान दीजिए, आपके सुख के दिन होंगे तो आपके पास सारे लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। सुख में आन सब ही मिल बैठत और रहत चहो दिश घेर, चारों ओर से आपको घेर लेंगे। अरे बड़ा धन है, बड़े अच्छे हैं, अरे आपका तो कहना ही क्या। हाँ ये और सुन लो, अरे आपका तो कहना ही क्या, मतलब आप में कितने भी दुर्गुण हो बखानेंगे नहीं। हाँ ये मान लीजिए कि आपको ये नरक जाने वाला पहला रास्ता यही है, उधर तो बाद में जाओगे, यही पतन पहले हो जाएगा, यही सबसे पहला रास्ता। अब विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को न आवत नेर, क्या बोला, बोले सुख में आन सब ही मिल बैठत और रहत चहो दिश घेर, और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को न आवत नेर। जैसे ही दुख आया सब संग छोड़कर चले जाते हैं, फिर कोई पास में नहीं आता, फिर कोई पास में नहीं आता। नानक जी गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो और को काहू को नाही, भैया को काहू को नाही।
इस जगत में कोई किसी का नहीं है, ये मान लीजिए। अब जब समझ गया, आज भयानक जंग छिड़ गई किसके बीच, गज और ग्राहे के। बिंदु जी महाराज एक शब्द में पूरी कथा सुना रहे हैं, क्या कि जंग जल। विनीत जी महाराज का ये प्रसंग है, विनीत जी महाराज का सूत्र भाव है, बोले जंग जब चले से जबर जुरी जल माज। आज जल में गज और ग्राह की आपस में बिल्कुल युद्ध भिड़ा हुआ है। जंग जब जले सते जबर जुरी जल माज, निज बल गज इसको व्रतित कर डाला है। और डारा डारा है जल माज पंद जब डारा जम जैसो। बिल्कुल यम के तरीके बिल्कुल फंदा डाल दिया ग्राह ने गजराज को। देखिए कितने बलशाली थे, गुमान था तो क्या, गुरूर गुमान मान गज हुआ बेसहारा है। गुरूर गुमान मान गज अपना हारा है, हारा है गुमान मान गज आज हुआ बेसहारा है। मिलाना सहारा तो आज मिलाना सहारा तो करुणान दान करुणा धुन सुनी। आज जब कोई सुन नहीं रहा, कहीं बार बार आवाज दे रहे तो कोई किसी की सुन नहीं रहा, आज गजराज ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। अरे मिलाना सहारा तो करुणा निधि को पुकारा है, और पुकारा है करुणा निदान करुणा धुन सुनी। जो काने बेग करुणा निधि निज चक्र और निहारा है। जैसे ही गो को कहा, भगवान को कहते ही आगे बिंद नहीं कह पाए, गजराज बिंद नहीं कह पाए, गो में भगवान उनके पास आ गए। जब तक बिंद कहा तब तक भगवान ने चक्र की ओर देख दिया, इशारा कर दिया, निहारा है चक्र चक्र धुन सुन खगेश आए हैं। और जब तक रमेश ने उठाया चक्र मारा है, तब तक उनको उद्धार हो गया। किसका, बोले ग्राह का। मारा है चक्र अर्ध नाम की ध्वनि होत, और अर्ध नाम लेते ही ग्राह कौन वारा है। आधे नाम लेने पे ही ग्राह का उद्धार कर दिया, बिंद नहीं कह पाए और मेरे प्रभु तुरंत आ गए। विनीत जी महाराज कहते हैं कि ये बताओ मेरे प्रभु कि निवारा है ग्राह है आए समझना विनीत प्रभु। गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है, गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। विनीत महाराज कह रहे हैं आपने ग्राह को पहले उबारा है गज को नहीं। समझ में नहीं आ रही बात क्या है, बोले बात ये है कि जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है सबसे पहले तो मैं उसी को उबारता हूं, सबसे पहले मैं उसी को उबारता हूं जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है। और मेरा भक्त तो फिर मेरा भक्त है, उसको तो वारना निश्चित ही है। इस प्रकार भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ये जो गज और ग्राह है ये पूर्व जन्म के शापित थे। ये ग्राह जो था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, लोक मनोरंजन
परिहास करना इसका काम था। एक बार महर्षि देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे, इसे परिहास सूझा तो इसने पानी में डूबकर उनका पैर पकड़ लिया। महर्षि घबरा गए, भाई अब पानी में घुस के आप किसी का पैर पकड़ लो घबरा नहीं जाएगा व्यक्ति। महर्षि घबरा गए, बोले तुम्हें बहुत ज्यादा मजाक करने का शौक है। जब इसको बाहर आया देखा, बोले तुम्हें बहुत ज्यादा मजाक करने का शौक है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ग्राह हो जाओ। क्या हो जाओ? बोले ग्राह बनो। ग्राह मतलब मगरमच्छ। बहुत क्षमा मांगी, महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया, अब कभी ना होगा, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, संतों को दया जल्दी आती है, दया आ गई, क्या करें। अच्छा ठीक है जाओ, जैसे आज मेरे पैर पकड़े हैं पकड़ते रहे। अगस्त मुनि से अगस्त मुनि को देखा कर दीजिए। ध्यान दीजिए, आपके घर में कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण संत योगी कोई भी आए, अनदेखा मत करिए, तुरंत पहले उससे मिलिए, फिर उसके बाद में अनदेखा। इंद्रधनुष ने अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया, प्रणाम नहीं किया और अगस्त मुनि क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया। बड़ा अभिमान से भरे हो, जाओ गज हो जाओ, हाथी बन जाओ। क्षमा याचना की, अगस्त जी ने कहा अच्छा जाओ हाथी बनोगे, पर तुम्हारे भक्ति भजन से जो है ना ये इस जन्म के ये सब सारे संस्कार बने रहेंगे, पूर्व जन्म की शिक्षा थी, प्रभाव था, तो हाथी की देह में भी भगवान की स्तुति की, इसलिए इनका भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान ने मनमंत्रों में विविध रूप से अवतार लिया है परीक्षित, और इसके बाद परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या मनमंत्रों में यही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे ही प्रभु परीक्षित, ऐसा नहीं कि यही भगवान ने हरि अवतार लिया हो, प्रभु ने छठे मन मंत्र में समुद्र मंथन को किया है। छठे मन मंत्र में समुद्र मंथन को किया है, जिसमें प्रभु ने कच्छप अवतार लिया है। बोले वो भी महाराज थोड़ा स्पर्श करा दो कैसे। बोले यदा दुर्वाससा सापात सेन्द्रालोकास्त्रयो नपः निहस्री काशावस्तत्र नेसुरी जादया क्रिया। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त की हुई इंद्र ने एक माला दी थी, उसकी अवज्ञा कर दी। आज जो है बाकी उत्सव है, आज जो है आटा के बाहर से भी लोग हैं, ऐसे तो रोज भी है, लेकिन अब जो है जैसे हमारे पड़ोसी गांव बीजापुर से पंडित जी जो है
बालू के ठेकेदार आटा स्टैंड में इनका अच्छी खासी दुकान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आशीर्वाद के रूप में मला प्रदत्त की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, जा जा स्त्रीहीन हो जा, स्त्रीहीन हो जा। जिसके पास स्त्री ही नहीं होगी वो तो अपने आप सब चीजों से हीन हो जाएगा। स्त्री माने लक्ष्मी। एक बार व्यास जी भागवत की जब रचना कर रहे थे, गणेश जी बैठे थे और भी लोग बैठे थे, तो नाम रखा गया भागवत, भगवान के नाम से। बोले अब तुम अपना खुद ही पुराण लिखो, हम लोग नहीं आ रहे, कोई जाओ काम करो अपना। लक्ष्मी माता की जैसे ही ऐसी आवाज सुनी, तुरंत नारद जी बोले अरे मैया कैसी बात कर रही हो, हम तुम्हारा स्टिकर बनवाने गए थे। बोले किसका? बोले देखो ये लगवा नहीं रहे आगे। बोले क्या? बोले श्री। तो क्या हो गया? बोले श्रीमद भागवत महापुराण। इसलिए इसमें श्री, श्री का मतलब क्या होता है? श्री लक्ष्मी माता का नामक स्वरूप है। आप देखिए पूजा पाठ कभी कुछ भी होगा तो स्त्री लिखा जाता है, सौभाग्य का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। जब लक्ष्मी माता घर के अंदर, तो समझ लो जितनी संसार की अच्छी चीजें हैं वे घर के सब कुछ अंदर, बुरी तो बाहर। स्त्रीहीन होगी, जब आज इंद्र को स्त्रीहीन होने का, स्त्रीहीन होने का श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने, शुक्राचार्य को पता चल गया, पता चला, सुदैत्यों के पास जाकर तुरंत खबर दी। बोले जाओ आक्रमण कर दो, फौरन कर दो, मौका नहीं मिलेगा। बोले अच्छा, आक्रमण दैत्यों से करवा दिया। राजा कौन है? बोले राजा है बलि। कौन है राजा? बोले राजा है बलि। अब बलि राजा ने सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते गोविंद की शरण में आए। भगवान बोले अरे देवताओं, तुम्हारा जो श्री है ना, जो वैभव है, वो सब समुद्र में समा गया है। इसलिए बोले महाराज अब क्या करें? बोले समुद्र मंथन करना पड़ेगा। भगवान बोले वो तुम अकेले नहीं कर सकते, वो तुम अकेले नहीं कर सकते। और दूसरे उसकी व्यवस्था करवाओ, इसको थोड़ा आगे खिसका दो और दूसरी की व्यवस्था करवाओ। अकेले नहीं कर सकते तुम, बोले तो बोले तुम्हें दैत्यों के साथ करना होगा, उनका सहयोग लेना होगा। तब दैत्यों से कूटनीति का उपयोग कर मैत्री की देवताओं ने और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, कहा भाई जो अमृत इससे निकलेगा, जो अमृत इससे मिलेगा, उसका क्या करेंगे? तो जो है कूटनीति से दैत्यों से मित्रता हो गई कूटनीति से। बोले भाई जो अमृत निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे और ज्यादा तुम्ही को देंगे, हम तो कम ही लेंगे। फिर चाहे जितना झगड़ा होवे पर मरने वाला हम में से कोई नहीं होगा। देखो देवताओं की ठगनीति होती है, बोले तुम काम करवा लो जी, उसके बाद जो निकलेगा उसमें से छह तुम्हारा चार हमारा, और जब हम लोग सब लोग अमृत पिए होंगे तो कितना भी झगड़ा हो मरेगा तो किसी का कोई नहीं। हाँ झगड़ते रहो खूब। देवताओं ने दैत्यों ने कहा बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, कर लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज हेलो
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तब देवता और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन के लिए गए और बासुकी नाग को बनाया क्या, बोले रस्सी, और मंदराचल पर्वत को बनाया क्या, बोले मथानी, और जो पर्वत लाकर समुद्र में रखा और चारों तरफ नाग पास की रस्सी को बांधा, एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता, लेकिन जैसे ही पर्वत को रखा तो पर्वत सीधे चला गया, स्थिर खड़ा ही ना हो, बोले अब मंथन कैसे होगा। जे भाई मेहंदी कहां गए, मेहंदी सुन लो, नहीं तो हम मेहंदी लगा देंगे तुम्हें बाद में। हाँ, आज रुक्मणी विवाह नहीं है, आज कृष्ण जन्म, हम सोच रहे काय के लिए तुम्हें मेहंदी लगे, नाम ही मनोराम तो मेहंदी ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, समुद्र मंथन के लिए जब मंदराचल पर्वत एक रूप में खड़ा ना हो सका, डूबता ही चला गया, तब मेरे प्रभु कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर बिठा करके और समुद्र में स्थापित हो गए। बोले कच्छप भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, पर्वत को रखा और समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने पर कुछ चीजें निकलना प्रारंभ हुई, जैसे सबसे पहले विष निकला। जब विष निकला, हला हल कौन पीता, बोले बाबा को बुलाया गया, बोले भैया आप ही का काम है, आप आओ, और तो कोई इसको धारण करने वाला है नहीं। बोले बाबा आए, विष को पिया और वहीं से बोले बाबा का मेरे नाम नीलकंठ हो गया। क्या हो गया, बोले नीलकंठ भगवान की जे। दूसरा बोले कामधेनु गाय समुद्र मंथन पर निकली, बोले अब इनका क्या करेंगे, बोले ऐसा करो इनको सप्त ऋषियों को दान कर देना चाहिए। तीसरे नंबर पर बोले उच्चे स्रवा घोड़ा निकला, बोले ऐसा करो इसको बलि तुम ले लो, बलि को दे दिया गया। इरावत हाथी निकला पांचवें नंबर पर, तो वो इंद्र ने ले लिया। छठवा पांचवा कौस्तुभ मणि निकली, तो भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण कर ली। कौस्तुभ मणि जो है उसको भगवान विष्णु अपने कंठ में धारण करते हैं। छठवा बोले कल्प वृक्ष बोले स्वर्ग लोक में स्थापित करवा दिया गया। सातवां बोले अप्सराएं निकली, अप्सराएं बोले इंद्रदेव बोले जी हमें दे दो, तो स्वर्ग लोक में भेज दिया गया। फिर कौन आया, बोले फिर आई हमारी लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी माता आई तो बोले माता आपको तो कोनो काम नहीं है, आप ऐसा करो आप सीधे भगवान नारायण के पास जाइए, भगवान विष्णु को अर्पित कर दी गई। नौमा अमृत निकला, देवताओं ने छल से, किसके वजह से, मेरे प्रभु की वजह से इन्होंने बनाया, मोहिनी अवतार लिया, इसी समय मोहिनी अवतार लिया है, और मोहिनी अवतार लेकर के दैत्यों को मोहित करके चतुरता से देवताओं को अमृत पान करा दिया। बोली मोहिनी अवतार भगवान की, बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसी प्रकार मेरे प्रभु देवताओं का, मानवों का भला करते हैं। आगे फिर देवासुर संग्राम की कथा आती है, बलि स्वर्ग पर विजय
प्राप्त कर लेते हैं कैसे भी। वामना अवतार एवं मत्स्य अवतार की कथा शुक्राचार्य जी महाराज ने आज बलि से 100 यज्ञ पूर्ण कराए और ब्राह्मण सेवा भी कराई है। बलि बहुत तेजवान हो गए और स्वर्ग पर चढ़ाई करवा दी। राजा बलि ने इतना कुछ बल अर्जित कर लिया कि स्वर्ग ही नहीं त्रिलोकी के सम्राट बन गए आज राजा बलि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहां तो ठीक है लेकिन उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी है, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, यहां बलि एक सारी सृष्टि के साम्राज्य के जो है सम्राट बन गए सारे साम्राज्य के। कश्यप जी ने कहा आज अदिति माता से समझते जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड कथा है यहां पे। वहां पर बलि एक साम्राज्य के सम्राट बन गए हैं, यहां पर अदिति माता बेचारी दुखी हैं और कश्यप मुनि कह रहे हैं देवी एक व्रत करना पड़ेगा, संतान वियोग है, संतान से के लिए मतलब परेशान है। यह व्रत समझ लीजिए आप लोग भी माता है बहने भैया बल्लो, यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशे हम पयोव्रत, यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। बोले कौन, 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार करके नारायण की उपासना की जाती है और इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन कर लिया देवी तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तब अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया, प्रारंभ किया, पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए, मां अदिति के गर्भ में पधारे और कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन के स्वरूप में प्रादुर्भाव हो गया। बोले वामन भगवान की जी। कैसे बोले तम बटुम वामन दृष्टा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामाशो पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान के मात्र वामन अंगुल के बटुक वामन रूप को जो देखे वही मुग्ध हो जावे। छोटे से हैं बटुक महाराज, अभी मान लो यहीं पे कोई ऐसे आ जाए बातें करें बड़ी ज्ञान की और वो बिल्कुल छोटे से, मात्र कितने मात्र वामन अंगुल के, तभी ब्राह्मणों को लोग वामन वामन कहने लगे। हाँ वामन कहने लगे किस लिए, इन्हीं वामन भगवान के अवतार से। तात्पर्य पता नहीं है, अगर पूछो तात्पर्य जानते हो वामन का, जानते हैं अपने मन से कुछ भी बता देंगे और यही कहीं यही सही है। हाँ तुम क्या जानो, देखो एक बात और बताएं, बुरा नहीं मानिएगा समझने की है। एक यादव जी थे, उनसे किसी ने कह दिया ए आहिर, समझने वाली बात है पूरा सुनिए। बड़ा बुरा लगा उन्हें, बुरा लगा लेकिन बेचारे गंभीर थे समझदार थे, बुरा लगा लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बैठ गए। जिन्होंने उनसे कहा था वो थोड़ी जबरदस्त व्यक्ति थे, हमने उनसे कहा भैया आप इधर आओ, हमने कहा आप अहिर का मतलब जानते हो। बोले महाराज अहिर अब भी जमाना चले गए जो हमें अहिर कह के बुलाया जा रहा है,
हमने ऐसा मत करो, वो जमाने बने रहने दो, क्योंकि अहीर का तात्पर्य जानते हैं क्या है? बोले नहीं मारा तात्पर्य तो पता नहीं है। हमने कहा सुनिए, अहीर का मतलब हो, अही माने क्या होता है? सर्प। क्या होता है? अही माने सर्प। अहीर सर्प के विष को हरने वाला, सर्प के विष को हरने वाला उसे अहीर कहते हैं। तुम लोग अहीर नहीं हो, अहीर तो मेरे कृष्ण को कहा गया, और इतनी बड़ी उपाधि तुम्हें देकर भी तुम्हें बुरा लगता है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जोरों से जयकारा लगा के कहा करो, बोलो अहीर महाराज की। अरे मेरे ठाकुर जी का नाम है अहीर, उनको अहीर कहते हैं। कब नाम पड़ा? जब कालिए नाग को नाथा है, बड़े बड़े पिसों का पान कर लेते हैं, उनको समझ में आया, बोले नहीं महाराज आज तो बात समझ में आ गई, आज से जो है कभी बुरा नहीं मानेंगे। हमने कहा हां बिल्कुल नहीं माना करो, यहां पर भगवान बिल्कुल बामन छोटे स्वरूप के हैं, बामन अंगुल के हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसे जन्म तो लेते नहीं हैं। जन्म लेने का कारण, बोले बलि एक छत्र राज कर बैठे हैं, सम्राट बन गए हैं, इन्हीं के लिए आए हैं स्पेशल मेरे ठाकुर जी। आज भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं, सभी उन पर मुग्ध हो रहे हैं, देवता में आनंद का पारावार नहीं रहा। क्यों? देवता तो चाहते ही थे कि ऐसा हो, भगवान आए, अब तो कोई बचा नहीं जो बलि से लड़ सके, जो राजा बलि से युद्ध कर सके। भाई सौयज्ञ पूर्ण कर चुका है, सम्राट बन चुका है, चलिए यज्ञोपवी संस्कार हुआ भवन भगवान का, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपना कमंडल दे दिया, अदिति माता ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दे दी, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट कर दी, आकाश ने छत्र भेंट कर दिया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान कर दी, बृहस्पति ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवी धारण करा दिया। भिक्षा में जो कुछ मिला वह बामन भगवान ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी को दे दिया। बृहस्पति जी बोले, बामन जी बोले हमें तो आपसे भिक्षा में त्रिलोकी की संपदा चाहिए। देखो पहले से सब प्लानिंग भी थी इनकी, कथा ऐसी भी आती है, मैं आपको सूक्ष्म में सुना रहा हूं। बोले जब हम जाए तो तुम हमसे ऐसे ऐसे कह देना। तो बृहस्पति जी बोले, बोले देखो महाराज हमारा इनसे कुछ काम होने वाला नहीं जी नहीं है। बोले हाँ आप तो हमारे गुरु हैं, बताइए क्या चाहिए। बोले हमें हमें बोले आप ऐसा करिए, बोले हमें ये त्रिलोकी का वैभव जो जितना भी है वो सब मुझे दान कर दीजिए, त्रिलोकी की संपदा चाहिए। कहाँ मिलेगी गुरुजी? बोले चले जाओ बलि के पास, सीधे राजा बलि के पास चले जाओ, सीधे मिल जाएगी। आज मेरे प्रभु सीधे राजा बलि के द्वार जा रहे हैं। कैसे? अरे बामन ने रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, बामन ने रूप बनायो, बामन रूप बनायो,
खुशी हो रही है। अरे बावन आ गए, कच्छप आ गए थोड़ी देर में, क्योंकि देखो टेढ़ी टांग वाला आने वाला है, और जिसने भी टेढ़ा टेढ़ा कुछ किया तो सबके घरों में वो एक टेढ़ा टेढ़ा कर देगा। वो पता कैसा है, सब कुछ टेढ़ा, मैया टेढ़ी, बाबा टेढ़ा, वो टेढ़ा, उसकी आंखें टेढ़ी, टांग टेढ़ी, सब तरीके से टेढ़ा है, सीधा नहीं है वो, ध्यान दीजिए। और सबको देख रहा है, देख लीजिए, सबको देख रहे हैं यहां से बैठे बैठे। ऐसा कुछ मत करिए, हाथों को ऊपर करिए, अब मधुर मधुर तालियों के साथ बिल्कुल गोविंद में ली भूल जाइए कि आप कहीं के हैं, कौन है, क्या है, कैसे, कुछ नहीं है, सिर्फ गोविंद के दास है, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए। अगर उनके तरफ से जितने लोग हैं वो लोग सब लोग तालियों की सेवा करेंगे, और जो उनके मामा की तरफ से हैं वो कृपया साथ बैठे रहना। ओ हर ओ बावन रूप बनायो हरि ने, बावन रूप भयो संतने मने।
अति उत्साह दिखायो, बहुत उत्साह दिख रहा है। जिनके मन संत है गए, देखो जिनके मन संत है गए उनमें बहुत उत्साह दिख रहा है। जिनमें कुछ बाकी है वो अभी सांसारिक जाल में उलझे हुए हैं। अति उत्साह दिखायो हरि ने पावन रूप बनायो, आटा गांव में मेरे ठाकुर जी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, और जो कार्यकर्ता है वो बहुत जल्दी तैयारी रखे हैं। हमसे कहा गया महाराज जी अनाउंस कर देना आधा घंटे बाद ठाकुर जी का आगमन है, आधा घंटे बाद। तुम देखो भक्ति दिखाओ तब तो आएंगे, ये तो संकल्प। निज बेट लगे देवन सब, निज निज बेट लगे देव सब, बेट लगे देवन सब। ओ देवन मन हरि सायो, ओ देवन मन हरि सायो हरि ने, क्या हरि ने पावन रूप बनाया, हरि ने
पता मांगी है, कहां मिले की एड्रेस बता दिया, पता कहां, बोले राजा बलि के पास। राजा बलि के पास हमारे पंडित राहुल शर्मा एडवोकेट प्रतिनिधि, माननीय डॉक्टर जयराम सदस्य, माननीय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भारत सरकार, भगवान के आगे शरणागत है, आत्मसमर्पण की भावना है ईश्वर के सामने। मेरे ठाकुर जी की ओर से भैया को बहुत बहुत साधुवाद। भगवान कृष्ण अपनी सदा कृपाएं पर बनाए रखे। पंडित जी तिलक तो लगा देते, प्रसाद दे देते, अगर मंच पे कोई आता है तो उसको तिलक लगाओ, उसको प्रसाद दो। किसी कार्य से किसी जांच में आए हुए हैं भैया लोग, सोचा कि चलो फेसबुक लाइव लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं भक्ति रसधारा पर, तो चल के साक्षात ही चला जाए। बहुत सुंदर, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखे, हमेशा जीवन में उन्नत प्रोन्नति बनी रहे भैया लोगों के। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे प्रभु कहां थे, किसकी कथा चल रही थी? हाँ देखो, हमारे परिचित जी बिल्कुल पेटेंट है एकदम से, ऐसा नहीं है, हमारे परिचित्यायन में बिल्कुल ध्यान देती है।
आज मेरे प्रभु सीधे जाकर कहां गए? बोले राजा बलि के दरबार के सामने खड़े हो गए, यज्ञ करवा रहे थे। कौन? शुक्राचार्य जी महाराज। सीधे बोले अगर ये करता चला गया बोले तो हम भी कुछ ना कर पाएंगे। अभी बोले तुरंत बोलो। बोले भिक्षा मदे। राजा बलि दैत्य वंशज जरूर है, पर दान देने में चाहे अपना कण कण पिक जाए, चाहे अपना कण कण चला जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन रुकते नहीं है। सब अपना दान देने के तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, अगर दरवाजे कोई आ भर जाए। राजा बलि ने सुना कि कोई बाहर आवाज दे रहा है। बोले गुरु जी एक मिनट रुको, बाद में हवन पूजन होगा, पहले देखें बाहर कौन है। कोई आवाज दे रहा है भिक्षाम दे। अब राजा बलि पहुंचे। राजा बलि ने पहुंचकर तुरंत पूछा, महाराज कहां से आए? स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम है। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् अमल्य तार्यवगोधरम्। आई महाराज आपका स्वागत है, आपको बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है, बैठिए। नहीं बैठने का टाइम नहीं विराजिए। नहीं विराजने का कोई टाइम नहीं है, समय नहीं है। अच्छा महाराज तो बताइए कैसे पधारे आप? पैदल चलकर मेरे घर तक, मेरे निवास तक आए हैं, कारण देखिए हम बटुक ब्राह्मण हैं और भिक्षा का दान लेते हैं। राजा बलि बोले महाराज मांगो। राजा बलि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जी। आज राजा बलि बामन भगवान से बार बार पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं महाराज, क्या बात है, आप बताइए क्या लेने की इच्छा है। बोले नहीं महाराज हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हो? निसंकोच होके बताइए महाराज। गाय चाहिए? गाय लेंगे? नहीं नहीं गाय लेने की इच्छा नहीं है। अच्छा गाय नहीं चाहिए, आभूषण चाहिए? नहीं नहीं आभूषण भी नहीं, आभूषण कहाँ, हम क्या करेंगे आभूषणों का, आभूषण भी नहीं चाहिए। नहीं अगर चाहिए तो खजाने में बहुत है, इतना दिला दूंगा कि दो चार पीढ़ियां तो निकल जाए। नहीं अरे नहीं हमें नहीं चाहिए आभूषण, हम क्या करेंगे, संत बैरागी आदे, क्या चाहिए जो अच्छा लगे सो बताओ। हाँ महाराज और अगर विवाह ना हुआ हो आपका तो आप ही की जैसी हम दुल्हन आपको दिला दें, बताओ। अरे नहीं नहीं हम संत बैरागी, हमें क्या करना अभी। नहीं नहीं अरे नहीं महाराज बताओ तो आप ही की जैसी ब्राह्मण कन्या ढूंढकर आपका विवाह करा दूंगा। और महाराज ऐसी सुंदर पिपर कन्या से विवाह कराऊंगा आप भी मान जाओगे। अरे नहीं 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 करूंगा। तो महाराज इच्छा क्या है, संकोच कहिए। यद्वत तटो वांछसि
तत्प्रतीक्षा त्वामर्थ नमाभिप्रसुतान कुतर। बामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांधे। भगवान पहले मुस्कुराए हैं, फिर राजा बलि की प्रशंसा के पुल बांधी। जब किसी व्यक्ति से कोई अच्छा कार्य कराना होता है उसको बहुत तेल लगाना पड़ता है। आज महाराज बामन राजा बलि को बोले, नहीं महाराज आपका तो कहना ही क्या, आपके जैसा दानी तो कोई है ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, चाहे जो हो जाए आपसे जो मांगो वो मिल जाता है। देखो महाराज ये सब बातें मत करो, हमें अपनी ये तारीफ सुनने का वो नहीं, आप तो ये बताओ आपको चाहिए क्या, हमें भी आगे कार्य करना है। अच्छा ठीक है, आप चाहते हो दोगे? बोले तो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले दोगे? हाँ देंगे। दोगे? हाँ देंगे। तीन बार दोगे दोगे दोगे, त्रिवाचा हरवा लिया बलि से। अब बलि त्रिवाचा हार गए। बोले महाराज हमें तो बस जो है तीन पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? तीन पग भूमि। आप हमें बस तीन पग भूमि दे दीजिए। तीन पग भूमि दे दीजिए, बस उतने में हो जाएगा। अरे महाराज आपको तीन पग भूमि में हो गए क्या? बोले वो भी हम नापेंगे खुद। बोले तुम्हारे इतने इतने बीता बीता भर के पैर हैं, ज्यादा आगे बढ़ाओगे तो दो बीते से ज्यादा रख नहीं पाओगे, कितनी जगह ले। अरे मैं इससे अच्छा तुम्हें दो चार बीघे, दस बीघे, सौ बीघे ऐसी दे देंगे। नहीं नहीं हमें तीन पग भूमि चाहिए। कैसी? बोले तीन पग बस, और कुछ नहीं। शुक्राचार्य जी बोले, बोले ये क्या लफड़ा चल रहा है भाई, ये कौन है जो सौ बीघे से नहीं मान रहा, मैंने जीवन में पहली बार देखा है, कह रहा है बस तीन पग, सौ बीघा, सुंदर दुल्हन और सुंदर घर, सुंदर गाय, कुछ नहीं चाहिए, बस तीन पग भूमि, कुछ झमेला है भाई, पता करना पड़ेगा। जहां से ध्यान लगाया और जहां से एक चित्त किया, हृदय में तस्वीर आ गई, प्रतिमा आ गई, फोटो आ गई एकदम से निकल करके, किसकी? मेरे गोविंद की, मेरे गोपाल की, मेरे राघव की। तुरंत शुक्राचार्य जी घबराए और तुरंत एकदम से ओरे उठकर बोले, बोले अरे बलि, अरे बलि, अरे बलि रुक जाना, रुक जाना, कुछ नहीं करना। राजा बलि बोले, अरे गुरु जी क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इधर आओ एक मिनट, तो मेरी बात सुनो। हाँ गुरु जी बताइए। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हारे कुल का, तुम्हारे वंश का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। हाँ हाँ, तो आपने तो हित बातों का किया है, बताइए ना क्या बात है। महाराज ये जो तुम इन्हें समझ रहे हो, ये बामन भगवान, बामन ब्राह्मण, ये मामन अंगुल, ये सब नाटक है। बोले काय? बोले स्पेशल लला तुम्हारे लिए, बेटा तुम्हारे लिए स्पेशल है। और जो स्वतः नारायण है, जो तुमसे तीन पग में जाने क्या ना मांग ले, बच के रहो। बोले देखो हम तेरे बाचा हार चुके हैं, तब तक भी कह रहे बावन भगवान संकल्प लीजिए, अगर देना है तो संकल्प लीजिए, हम बिना संकल्प के कुछ लेते नहीं। हालांकि ये समझाते रहे, बलि माने नहीं। बलि बोले, अरे गुरु जी देखो दान देने में डिस्टर्ब मत किया करो भाई, हाँ दान दे ले, आप जो कहो वो करेंगे। नहीं माने राजा बलि। आखिरकार बामन भगवान ने लिया कमंडल, करिए यजमान हाथ। बोले ओम विष्णु 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 श्रीमद भागवत कथा। जैसे ही बोला शुक्राचार्य जी बोले, बोले ए लो अब हो गया काम, अब क्या करें। तुरंत छोटा सा रूप धारण किया और कमंडल की जो नाल नहीं होती जहां से दिया जाता, जल नासिका, मतलब नासिका बनी होती,
जाके छोटा सा रूप बनाकर बैठ गए भगवान के कमंडल में। ध्यान दीजिए, भगवान कहें जल बाहर क्यों नहीं आ रहा भाई संकल्प का। और भगवान बोल रहे हैं, ओम विष्णु 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 श्रीमद भागवत महापुरुषों से विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान अध्यक्ष ब्राह्मणों दीदी पदार्थ श्वेत बारह कल्पे वैभवन मंत्र भूला के जम्बू दीपे भरत मन से भरत कंडे आर्य वर्तक दिशे देशांतर के पुण्य क्षेत्र बुद्धा उतारे प्रभ नाम संबत सरे मासा नाम मासोत्तर मास। लेकिन जल नहीं बाहर आ रहा, क्या बात है, जल बाहर नहीं निकल रहा। भगवान बोले अच्छा, कुछ ना कुछ कलाकारी है, कुछ ना कुछ तो बात है। बोले कितनी भी बड़ी बात हो, बोले हम बहुत टेढ़े हैं, हाँ हमारी टेढ़ी खीर किसी से पचती नहीं, जल्दी पल्दी। भगवान ने एक जो है सीख उठाई, और सीख को डाला ना, बोले यजमान एक मिनट रुकिए, बोले थोड़ा कचड़ा अड़ गया हमारे कमंडल में, अभी साफ करके कराता हूं संकल्प। सीख उठा के डाल दिया नासिका रंध्र में कमंडल के, और जैसे ही डाला शुक्राचार्य जी की आंख में गया धीरे से लगा जाके धड़ाम से, सीधे जाके धड़ाम से आंख में लगा तो एक आंख फूट गई, एक आंख ही फूट गई शुक्राचार्य जी की। और बड़ी शीघ्रतम रूप से शुक्राचार्य जी फड़बड़ा के कमंडल से बाहर आए, अरे मेरी आंख फोड़ दी, आंख फोड़ दी। ज्ञान विराग नयन उर गारी फूट गई इनकी, उस एक नेत्र से ये देख रहे थे किसको, ईश्वर को। भगवान बोले हम तुम्हारी वही खत्म कर देंगे, उससे देखने की आवश्यकता नहीं, एक से देखो साफ मैं ही दिखूंगा सिर्फ। आज संकल्प दिया, संकल्प देने के बाद अब जो है प्रभु ने पूरा संकल्प बलि से पूर्ण करा लिया। बोले हाँ महाराज नापे, बोले महाराज सारा एक छत्र अपना राज है, चाहे जहां अपना आप लो। तो भगवान ने बोले ठीक है नापता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज भगवान नाप रहे हैं तो एक एक टांग में, मतलब एक पग बढ़ाया तो एक पग में एक लोक नाप लिया पूरा, और दूसरा पग में पूरी त्रिलोकी नाप गई। एक पग में एक पूरा लोक नाप लिया, दूसरा पग जब निकाला तो पूरी त्रिलोकी नाप डाली भगवान ने। बलि बोले बस महाराज, हमें तो पता तो था मैं गुरुजी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने भी इसीलिए कहा था कि अब तुम भी कर लो अपने मन की, देवता तो कर नहीं पाए लेकिन तुम ही कर लो। बोले अब बताओ, बोले तीन पग मांगी थी, दो हो गए, एक कहां जाएगा, क्या करें एक का। बोले अब महाराज कुछ नहीं है। बोले लेकिन बलि का संकल्प है पूर्ण करके रहेगा। बोले अब महाराज इस बलि को ही नाप लीजिए। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा कि बलि बांधते प्रभु बाड़े हूं सौतन बरनी न जाए उभय घरी मेहदीनी सात प्रदीक्षण धाई। बलि को नाप लिया मेरे प्रभु ने, बंदी बना लिया। पत्नी बलि की नतमस्तक हुई प्रभु के सामने, बोले हे प्रभु आप तो करुणा निधान हो, करुणा निधि हैं आप, मुझ भक्त पर अनुकंपा कीजिए। भगवान तत्क्षण अपने विराट स्वरूप में आए, बलि को और बलि की पत्नी को दोनों को दर्शन दिए। बोले बलि ये तो मेरी परीक्षा थी, मैं तुम्हारा परीक्षण कर रहा था, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए, क्या वर मांगना चाहते हो। महाराज ऐसा परीक्षण तो हमारा किसी ने नहीं लिया, लेकिन आपने लिया है तो सस्ता तो आपको भी नहीं पड़ेगा। बोले कैसे। बोले महाराज अगर आप कुछ देना चाहते हो तो। बोले क्या क्या चाहिए। बोले तो इतना दे दीजिए कि आप हमारे यहाँ ही रुक जाइए। देखिए
भगवान को सामने देखकर कुछ और नहीं मांगा, बोले बस आप चाहिए मेरे प्रभु। तो भगवान मेरे कितने सरल स्वभाव है, वो भी बस एक ही चीज कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन ओ, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन जो कुछ वो देवे मैं कभी लेता नहीं। और भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल याद दीजिए तो मुझे स्वीकार है। गोविंद कहते हो अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ तो मुझको चाहिए, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। बस भक्त हो जाए मेरा, भक्त हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है, भक्त हो जाए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। मुझको प्रेम की जंजीर में
इसलिए इस भूमि पर, हाँ इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान की जय हो। आज राजा बलि को अपना दर्शन दिया, कृतकृत किया बलि राजा को। लक्ष्मी माता परेशान हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, सूक्ष्म करना पड़ता है। राजा बलि परेशान हो रहे हैं, लक्ष्मी मैया परेशान हो रही है। राजा बलि क्या माधव ड्यूटी पे हैं, दरवान है। माता लक्ष्मी परेशान है, पति देव बहुत दिनों से घर नहीं आए, क्या बात है। पता चला कि बलि क्या दरबारी गिरी कर रहे हैं, वचनबद्ध है, आ नहीं सकते। तब माता लक्ष्मी गई है, राजा बलि को अपना भाई बनाया, रक्षा सूत्र बांधा। हाँ, राजा बलि बोले, अब तो आप मेरी बहन बन गई हैं, तो क्या चाहती हो बताओ, मैं जो चाहोगी वो दूंगा। बोले भैया कुछ नहीं चाहिए आपसे हमें, हाँ हमारे पति ज्यादा, हमारे जो पति हैं ज्यादा चतुर्भक्ते थे, सो सब कुछ देवताओं के लिए लिया और खुद यहीं रह गए, और हमने कहीं तुमसे कुछ ऐसा वैसा लेने की कोशिश करी तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। बलि बहुत भावनात्मक भक्त हैं, बहुत भावुक हैं, ऐसा नहीं है, कण कण अपना अपने ईश्वर के लिए दे सकते हैं, ऐसे हैं बलि। उनसा कोई दानवीर नहीं हुआ इस संसार में, ऐसे हैं राजा बलि। आज लक्ष्मी माता बोली, बस इतना ही कर दो, हमारे पति हमें वापस कर दो और हम अपने चले जाएं बैकुंठ, और तुम अपने घर में रहो सुकून से भाई साहब, बस इतना ही चाहिए रक्षाबंधन में। आज राजा बलि ने भगवान को कहा, प्रभु मेरी बहन ने मुझे रक्षा सूत्र बांध कर मुझसे आज आपको मांग लिया है, इसलिए मुझे आपको देना पड़ रहा है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी बात प्रभु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी मैया ने बहुत अनेक अनेक प्रकार से आशीष वचन बोले और प्रभु गोलोक धाम को गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले बावन भगवान की जय। यहीं से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परिचित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं, और एक बार तो मेरे प्रभु ने मत्स्य अवतार भी धारण किया है। मत्स्य अवतार धारण किया है, सत्यव्रत नाम के राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। एक बार स्नान करने के उपरांत जैसे ही हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे, उनके हाथ के जल में एक छोटी सी मछली आ गई, तो उन्होंने जल को फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर फिर मछली आ गई और बोल पड़ी, कतम ब्रसज से राजन भी दास में नौ सर्वे जले। महाराज मुझे क्यों फेंक रहे हो,
मैं बहुत भयभीत रहता हूँ, इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पकड़कर खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये मछली हमसे बात कर रही है। अब जैसे आप जाइए नदी में या कहीं तालाब में सरोवर में कहीं भी जाइए और मछली हाथ में आए और वो आपसे बात करने लगे, सोचिए आपको अजीब सा कैसा लगेगा, आश्चर्य लगेगा, ये मछली कैसे बोल रही है। महाराज ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर घर आए। घर आते ही क्या देखा, ये मछली इतनी बड़ी हो गई कमंडल में नहीं बन रही, फंस गई। मछली बोल पड़ी, महाराज मुझे कष्ट हो रहा है, कोई बड़ी जगह दीजिए। तो एक पात्र था उसमें वह डाल दी गई जो बड़ा था कमंडल से। थोड़ी देर बाद मछली कहती, महाराज मुझे इसमें भी कष्ट हो रहा है, देखा तो इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में दूसरे पात्र में भी नहीं आ रही है। उन्होंने एक जलाशय में थोड़ी देर में एक जलाशय खुदवाया, बोले जब इसमें नहीं आ रही तो छोटा सा एक जलाशय खुदवा दे उसमें भी किया, उसमें भी नहीं आई। फिर बोली, महाराज कष्ट हो रहा है, इस जलाशय को या तो बड़ा कराओ या तो और अन्यथा कहीं रखिए। इतनी बड़ी हो गई कि मछली गिरने लगी कि और कोई प्रबंध कराओ। फिर उस प्रबंध के बाद भी तालाब खुद गया, उसमें भी डलवाया, लेकिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि अब तो उस तालाब में भी आ नहीं रही। अब हाथ जोड़कर सत्यव्रत मनु बोले, महाराज आप कौन है अब तो बताओ। अब भाई आश्चर्य की बात है, ऐसा थोड़े ना होता है, मछली कोई इतनी बड़ी थोड़े ना होती है। मछलियां तो बहुत दिखी पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार दिखी। थोड़ी देर में आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो कि जितना बड़ा पात्र होता है, जितना पात्र उतना आपका शरीर। सो ऐसा कैसे है महाराज, कौन हो आप, अपना परिचय दीजिए, कृपा कीजिए। तब मछली के स्वरूप में सहसा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोली मत्स्य अवतार सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें दर्शन दे रहा हूं कि आज से सातवें दिन प्रलय होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर आएगी, सप्तऋषि भी उसमें बैठे होंगे, तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सिंह से बासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए और वही हुआ, नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया, वही मनुस्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन इस प्रकार से प्रत्येक मन मंत्रों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए यही से अष्टम स्कंद संपन्नता की ओर जाते हुए अब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। हमारे राम जी बहुत 5 मिनट के अंदर राम जी महाराज का प्रादुर्भाव और बस राम जी के बाद श्याम जी थोड़ा देर लगाते हैं और जब आ जाते हैं तो समझ लो फिर कायनात बदल जाती है। अब राम जी आइए नवम स्कंद में चलते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जी। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में से 12 जो 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है। नवमे स्कंद में आप लोग नवम स्कंद की कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं अभी। उसमें 24 अध्यायों में से 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है और बाद में 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे श्री कृष्ण अर्थात श्याम जी का प्रादुर्भाव हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से तुम सुनना असंभव है, बहुत बड़ा वंश है, हम तुम्हें 5 मिनट में सुना देते हैं। हाँ, 5 मिनट में सुनो, 5 मिनट की दवा सारी जिंदगी का आराम। एक बार लो। और हाँ, एक बात और है, हमने उरई में एक दिन कालपी स्टैंड में खड़े थे तो बोला, एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज इसका उपयोग क्या करो भागवत। हमने किसका? बोले जब आप राम जी की कथा कहा करो या श्याम जी की, तो लोगों से कहा करो कि बुढ़ा खाए तो जवान हो जाए और दांत जिसके गिर जाए तो तुरंत आ जाए। हाँ, बोले ऐसे जो है, अब देखो अगर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रभु बिल्कुल उतना दे देते हैं, मेरे प्रभु एकदम से चेहरे में इतना तेज दे देते हैं आपके कि बस सिवाय ठाकुर जी के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी महाराज आज वंश विस्तार की कथा कह रहे हैं, बोले 5 मिनट में बस। ठाकुर जी वाले अगर सुन रहे हो तो ध्यान दें, बालक तैयार है, पूजा की थाली तैयार है, क्योंकि एकदम से अनाउंस करूंगा अब मैं, सब बिल्कुल टाइट फिट रखे हैं और बालक बिल्कुल तैयार, और इधर से नहीं आएंगे, इधर से नहीं आएंगे, उधर से आएंगे, इधर से जाए उधर से आए। नंद बाबा के सिर पर आएंगे ठाकुर जी महाराज, और फिर सखी देखो वृंदावन से आ रही है, आज सखी बुलवाई है वृंदावन से जो बधाई मांगेंगी। हाँ, अब देखो कौन कौन कैसी कैसी बधाई देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूर्य वंश का वर्णन करते हैं महाराज। शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष सरेरति। बड़ा है वंश, इसलिए संक्षिप्त वर्णन करते हैं। महाराज कहते हैं कि देखिए, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ध्यान दीजिए, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मारीच, ब्रह्मा के बेटा मारीच, मारीच के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान सूर्य हुए, और इन्हीं से इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। किससे? विवस्वान सूर्य से। सूर्य वंश इन्हीं से चला है। इसके बाद विवस्वान सूर्य के पुत्र श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। तब सूर्य वंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के नग, नग के सर्याति, सर्याति के दिष्ट, दिष्ट के ग्रट, ग्रट के करुष, करुष के नरस्यंत, नरस्यंत के प्रसग्न, और प्रसग्न के नभग, नभग के कवि, कवि के आदि दास, आदि 10 पुत्र हुए, कवि के आदि 10 पुत्र, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें सर्याति नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी सुकन्या, उस सुकन्या ने धोखे से चमन मुनि के
सब लोगों ने सुनी होगी कथा, चमन मुनि के नेत्र फोड़ दिए थे। तो चमन मुनि के साथ ही उनका विवाह हुआ। बाद में चमन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से नव यौवन प्राप्त कर लिया। इन्हीं सरयाती के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके सौ पुत्र हुए। सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था ककुदमी। कौन था? ककुदमी, जिसकी बेटी थी रेवती। इन्हीं रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिचित मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नवग, आगे उनके बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीश के बेटा युवनाश्व, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था, इसलिए युवनाश्व के उधर से मानधाता हुआ। मानधाता के पुत्र मुचकुंद, संतव्रत और इनके वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ और इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। कौन हुए? राजा ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनसे इस वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। रघु महाराज के अज और अज के बेटा दशरथ, दशरथ के कौन, जल्दी कर देगा ज्यादा। नहीं भाई, चार लोग रह गए अभी, ये सबको मालूम। अरे त्रिभुवन विदित अवध जिकर नौवा, देखिए 5 मिनट में ले आए। अरे त्रिभुवन विदित अवध जिकर नौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिते, त्रिभुवन विदिते, त्रिभुवन विदिते, अब जी भैया, भरत लखन रे भोले।
दुआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। राजा दशरथ से, राजा दशरथ को भी पुत्र नहीं हो रहे थे, पुत्रिष्ठ यज्ञ करवाया, तब वो पावन पुनीत दिवस आया, भगवान का वरदान भी है। कौन सा दिन है कि जोग लगन ग्रह पारित थी, दशरथ जी के घर में जोग लगन ग्रह बारित थी, सकल भय अनुकूल और चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज वो अवसर आ गया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। कौन सा? बोले नौमी तिथि मधु मास पुनीता, अशुकल पक्ष अवज तो हरि पीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुकल पक्ष अवज तो हरि पीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, भगवान का प्रिय अभिजित नक्षत्र भी है, और क्या ना सर्दी है और ना गर्मी है, और बोले पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला है। देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं। ओ विप्रे दीनो सुर संतहित, लीन मनुज अवतार हो रामा। विप्रे दीनो सुर संतहित, निर्मित तनो माया गुण गोपाल हो रामा। इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल हो रामा। आज गो
संतों के लिए मेरे प्रभु का जन्म हुआ, सूक्ष्मता ले चल रहे आपको बिल्कुल, लेकिन इतना समझ में आ रहा होगा क्या से क्या हुआ फिर क्या हो गया। भगवान अपने भक्तों के लिए आए, किसके लिए? संतों के लिए आए, ब्राह्मणों के लिए आए। बधाइयां गाई जाने लगी, महीनों बीत गए कुछ पता नहीं चला, पता नहीं चला कई महीनों बीत गए। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। गुणगान करते करते इतने दिन बीत गए कभी पता ही नहीं चला, कचुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन आरु राती। कुछ दिन बीते नाम संस्करण होने, नाम संस्कार होने लगा, कुछ दिन बीतते ही नामकरण संस्कार होने लगा। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया, गुरु जी बोले जो कौशल्या के पुत्र हैं इनके नाम का वर्णन क्या करूं? बोले इनके नाम, जो कौशल्या के पुत्र हैं इनके नाम का वर्णन किया नहीं जा सकता, इनके नाम का वर्णन मैं क्या करूं राजा दशरथ? इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम ओ, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं जब कहे मैं सुमति अनुरूपा। समझने वाले ही समझ पाएंगे, इनके नामों का वर्णन क्या करें? बहुत नाम है क्यों? बोले जो आनंद सिंधु सुखी राशि, सी करते त्रैलोक सुपार, सो सुखी धाम अशिनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यहां देखिए भगवान विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, बोले ताकर नाम भरत अस्य होए, और जाके सुमरनते, जाके सुमरनते रिपु नासा, बोले नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। हाँ टीचर हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। बोले जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके नाम से शत्रु का नाश हो जाता है, बोले उनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न, कोई कोई ये समझ लेता है शत्रुघ्न सिन्हा, ना शत्रुघ्न शत्रु का हनन करने वाला है ना, नाम में कंफ्यूजन से बहुत कुछ हो जाता है। एक बार की बात, देखो ये भी ले लो, एक बार की बात, हम जा रहे थे गाड़ी में, अब हम तो मान लो एक छोटे छाटे पंडित जी अपने बिल्कुल ऐसे ही चला रहे हैं सब जीवन, राधा कृष्ण की कृपा है थोड़ी सी चले जा रहा है, और हमारे पीडी मामा जैसे यजमान मिल जाते हैं, तो बस सब बढ़िया चल रहा है सिस्टम राधा जी की कृपा से। हम बस में जा रहे थे, और बस में हम देखे कि हमारे जो पड़ोस में एक लड़का बैठा है, उनकी माता जी बैठी हैं और उनके पिताजी बैठे, हालांकि बस भरी थी, तो बहन जी
ने देखा धोती कुर्ता पहने तीन हैं और जे जो है बड़ा माथा था टिप्पा है क्या बात। अच्छा जी कुछ इनमें बड़े हैं अपने पति से बोली बोली इनको कह दो बैठ जाए पंडित जी हैं किसी अच्छे घर से थी बहन जी वो जो बैठी हुई थी। हमें लगा चलो भगवान बहन जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारी बोली आपको पंडित जी दिक्कत हो तो आप तो लोग भी बैठ जाओ हम खड़े हो जाओ। अरे हमने ना 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 आप बैठे रहो हम यहाँ किनारे कॉर्नर पे बैठ जाएंगे। वो खिड़की तरफ बैठी बीच में बच्चा इस तरफ पति फिर पति के इस तरफ हम बच्चे से बात कर रही थी नाम सुन लिया पिंटू। हमने नाम सुना पिंटू। अब पीछे से कोई आवाज दे रहा है ए पिंटू इधर आओ। हम समझ ना पाए हमने तो हमने उन भैया से कहा हमने भैया आपको ये बच्चे को पीछे कोई बुला रहा पिंटू पिंटू करके। बोले हाँ कौन कौन नाम ले रहा पिंटू। पीछे से एक बड़ा जबरदस्त आदमी खड़ा हुआ बोले हम तुम्हें थोड़ी नहीं कह रहे हमारे तो कुत्ता का नाम है पिंटू। हाँ बोले हम तुम्हें थोड़ी ना कह रहे हमारे कुत्ते का नाम है पिंटू। अब बेचारा बड़ा शांत मुंह रह गया उनका। अच्छा भाई साहब ठीक है पिंटू है तो धरे रहो हम बैठ रहे नाम का बड़ा नाम बहुत सोच विचार के रखने चाहिए यानी कैसे नाम मतलब बड़े अजीब। बोले टीना हाँ ये कोई नाम है ये कोई नाम है पप्पू ये तो अच्छा नाम है लड़का नाम है। नहीं वैसे आप लोग एक बात समझे हो गए अचानक से कि महाराज पप्पू नाम के लाने कुछ कान वाले हैं लगन। हाँ ऐसा नहीं हम जानते हैं और पप्पू नाम के हमारे बहुत मामा है और मंच से उतर के खदेड़ ले तुरंत। नहीं नहीं पप्पू दुलार का नाम है बड़े प्रेम स्नेह का नाम है लेकिन ये पंटू बंटी चिंटी बंटिया ये क्या नाम है। हाँ और हम बताएं मतलब यहां तक कि अपने लड़कों का नाम शेरू तक रख देते आदमी आजकल। अरे महाराज लाड़ को नाम दुलार है। हाँ अरे नाम रखो राघवेंद्र भरत ऐसे नाम रखो श्याम कन्हैया कृष्ण। क्या सनातन धर्म में नामों की कमी है। जिसका नाम ले दो उसके 1100 से नाम तो कम है ही नहीं चाहे कृष्ण विष्णु शंकर जी हो कोई भी हो। तुझे बंटी संटी टंटी कहां से आ गए कहां से आए। देखो हमारे यजमान जी का नाम बोले श्री परमेश्वर दयाल तिवारी और एक तिवारी सब पे भारी। हाँ हम मंच से झूठ नहीं बोलते देखो यथार्थ तो सही है और जो कोई ना माने तो हमसे मंच के बाद निपट ले बात कर ले। है ना एक तिवारी सब पे भारी। बोले नाम क्या है बोले परमेश्वर दयाल तिवारी। कितना सुंदर नाम है ईश्वर की कृपा दया। बड़े सुंदर सुंदर नाम रखिए अपने बालकों के बालिकाओं के। आज भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार दशरथ जी के पुत्र हुए बड़े हुए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। एक बार और बता दें अभी कथा के लिए कह दिया अब महाराज अभी एक घंटे आपको और करने चाहिए। हम कह रहे तुमने 15 मिनट में कुछ सीखा। आजकल के नव युवकों के लिए बात बता रहा हूं। प्रातः काल उठे राम जी क्या करते थे हम देख रहे हैं आजकल। देखिए बुराई कोई बात नहीं मैं कहता हूं अपनी मंच से इस बात को आप जय श्री राम कहते हैं कहते रहिए हमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन लक्षण नहीं दिखते मुझे तुम्हारे श्री राम जय राम वाले क्यों
जय श्री राम का ढोंग कर रहे हो? कौन सा? क्योंकि जय श्री राम पता क्या करते थे कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई गुरु नावे ही माता करते हो। अरे प्रातः काल नहीं, हफ्ते भर में, महीने में पता पड़े जब वैष्णो देवी जान लोगो तब ही करो तो फिर का फायदा? हाँ, ये नहीं है। देखिए दिखावे में भगवान का नाम इस्तेमाल मत करिए, दिखाओ नहीं करो, उनको जानने की कोशिश नहीं करो, उनको मान लो कि हाँ भगवान है। लेकिन आजकल क्या है सुनिए, भगवान राम करते थे प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावाई माता, अब क्या चल रहा सुनिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा ओ मात पिता के दे जूता लाता, जी चल रहा है जी। आजकल के राघव जी कहते हैं कि हम राघव हैं, ऐसे राघव बन रहे, ऐसे रघुनंदन बन रहे, ऐसे जय श्री राम के चर्चे लग कर रहे हो। नहीं नहीं, राघवेंद्र के जैसा बनना तो दूर, राघवेंद्र के चरण कमल की रज भी बनना नामुमकिन है। क्यों? बन सकते हो अनुकरण करके। कैसे? बोले उनके आचरणों के। अरे थोड़े से ही कर लो। आज भगवान बड़े हुए, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से एक बार वशिष्ठ मुनि आए, राजा दशरथ से कहा राक्षसगण हमें एक पूजन भजन नहीं करने देते, इसलिए अपने राम लक्ष्मण दे दो। सबको पता है विश्वामित्राद्वरेण मारीचा ध्यान साचरा पश्यतो लक्ष्मणस्यैवा हता नैरत्य पुंगवः। दशरथ जी ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन गुरु का आदेश था इसलिए जाने दिया। आगे मेरे भगवान राम ने ताड़का मारी, सुबाहु नाम के तमाम राक्षसों का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के साथ सीता स्वयंवर में भी पहुंचे हैं। सूक्ष्म में भी सुना रहा हूं, नहीं तो आपके लॉन्ग मतलब एकदम से विस्तारित क्यों नहीं पंडित जी बता रहे? कारण समय का अभाव है। और राम कथा का भागवत महापुराण में एक आवश्यकता अनुसार कहा जाता है, ज्यादा विस्तार से हम बताएंगे तो हमारी जो कथा है वो भी बहुत ज्यादा विलंबित हो जाएगी। प्रभु श्री राम ने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर कहां पहुंचे? मिथिला नगरिया। वहां पर सीता स्वयंवर था, रावण इत्यादि अनेक अनेक दैत्य राक्षस देवता बहुत लोग आए। परशुराम जी का धनुष रखा हुआ है, किसके पास? राजा जनक के पास। करना क्या है? उठा के चाप चढ़ाना है और धनुष भंग करना है, और जो धनुष भंग कर देगा वही सीता का वर होगा। अनेकों राजाओं ने प्रयास कर लिया, प्रयत्न कर लिया, कुछ ना हुआ। अंतोगत्वा लक्ष्मण और जनक जी का संवाद हुआ, लक्ष्मण और जनक जी का संवाद हुआ है, आप लोग सब देखते भी रहते हैं।
लक्ष्मण और जनक जी का संवाद हुआ कि क्या इस सभा में, जनक जी कहते हैं, इस सभा में कोई वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके। लक्ष्मण जी कहते हैं, जहां अयोध्या के वीर बैठे वहां आपकी ये बातें शोभित नहीं लग रही। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठ गए। गुरु जी बोले कि अब कुछ कहना पड़ेगा, तो राम जी से कह दिया, जाओ राम। आदेश दे दिया, आज जब आदेश दे दिया, मेरे प्रभु श्री राम गए, जाकर के सीधे धनुष को एक ही बार में बड़े कोमलता से उठाया और आज धनुष को भंग कर दिया और सीता माता ने वरमाला पहना दी। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की। ओ आज मिथिला नगरी आनी हाल सकिया। है नहीं, देखो मिथिला है, आज मिथिला नगरिया बनी है। पीछे देखो जरा घूम के, सब समझ में आएगा। हमने पीछे देखा, हम चीज से कह रहे, सबसे नहीं कह रहे। तो आज मिथिला नगरी आनी हाल सकिया, अरे निहाल सकिया, चारों तिलहा सकिया।
जल्दी समाप्त इसलिए करा दिया भजन, अभी बहुत समय है, कृष्ण जन्म ही होना है, कल लगेगा आगे की व्यवस्था। कारण क्या है? देख के लगा कि नहीं, ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं, तो अबे तक तो पहुंचा देते जाने का। हाँ, हमने कहा ये देखो जो है वृंदावन बसा है बिल्कुल आटा गांव में, हमें पता ही नहीं था कि मेरे ननिहाल में भी ठाकुर जी का इस तरीके से वास है। वाह, आनंद आ गया भाई, बोलो राधे राधे। लेकिन आप लोग राधे राधे छोड़ो, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलन। अब यहाँ से कई बार होते तो हम कम से कम दिन में 75 बार आपसे कह के बोलवाते। हम सोच ये जाते पता पड़े कोई मामा जी चले हैं, काहे बहुत राधे राधे बोलवाओ तुम। लेकिन आज हम मामा जी की डांट भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार आपको बढ़िया तरीके से बोलना पड़ेगा सभी को, बोलो राधे राधे। आज लगा कि देखो ठाकुर जी निवास कर रहे हैं बिल्कुल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों भाइयों का विवाह है मिथिला नरेश की पुत्रियों से, जनक जी की पुत्रियों से हुआ। बरात घर लौट कर आई। आगे आप सभी को पता है कुछ दिवस राज्य करने के बाद मंथरा के कारण माता कैकेयी ने दशरथ से अपने पुराने पूर्व दिए हुए वचन मांग लिए, राम को वनवास, भरत को सिंहासन और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आगे इसी बात दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाएं, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस रीति को रखने के लिए मेरे प्रभु किसी की बात नहीं माने और सीधे वन चले गए। वन में जाकर के उन्होंने अनेक अनेक दुष्टों का भी संहार किया और अंतर्गत रावण का संहार किया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। सीता माता के साथ फिर वापस सीता माता को सकुशल लेकर अयोध्या आए। अयोध्या करके फिर किसी जात के धोबी ने माता सीता पर लांछन लगाया, कलंक लगाया और फिर से सीता माँ बन गई। वहां पर लव कुश नामक श्री राम भगवान के दो पुत्र हुए और आगे उन्हीं लव कुश ने अपने तीनों चाचाओं को युद्ध में पराजित किया, हनुमान जी महाराज को पराजित किया। इसी भांति श्री राम कथा बहुत बड़ी है, मैं आपको कितना भी सुनाऊंगा उतनी ही कम रहेगी। बस मैंने सूक्ष्म में आपको छूते छबाते निकाल दिया कथा से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं लव कुश के बाद की कथा बहुत और भी है इस प्रकार, लेकिन नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा सुनाई गई है। अब दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। चलिए, भागवत का सबसे महत्वपूर्ण स्कंद है दसम स्कंद। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, जाके वाले लोग तैयार हो जाएं क्योंकि ठाकुर जी बहुत से बहुत बस 15 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर आ जाएंगे। सुंदर तरीके से इनकी कथा थोड़ी विस्तारित चलेगी, प्रतिपाद्य है हमारे कृष्ण भागवत के। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं यस्मिन नैला देव उपाह कीर्त्यत्ने पुण्य कीर्तयः।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब मैं चंद्रवंश की कथा आपसे कहता हूं, सुनिए श्रवण करिए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ठीक है, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, और इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल भी था, राजा एल। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, और इन्हीं इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि छह बेटा हुए, छह बेटे हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुष हुए। कौन? नहुष। नहुष के याति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति आदि छह बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के दो विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ हुआ। दूसरा विवाह बोले वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। ययाति की यदु, तुर्वसु, द्रोहो, अनुपुरोह आदि पांच संतानें हुई, पांच संतानें हुई। इन पांच संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु था। पुरु ने अपने ऊपर जो पिता का अनन्य भक्त था, पुरु जो थे वो पिता के अनन्य भक्त थे। शुक्राचार्य जी के साप से जब आयाति जो है वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए, तो वह अपना वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली, अपने पिता के। ऐसे ऐसे पुत्र थे अपने भारत में, ऐसा नहीं अभी भी बहुत ज्यादा नेक पुत्र पड़े हुए, ऐसा नहीं। अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी, इसलिए इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया और पुत्रों को साबित किया कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके ही बड़ी प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन में ही सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इसी प्रतापी वंश के राजा रत्नदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया था। 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पुरवंशी हो, अपुर महाराज के सबसे बड़े भाई थे यदु, इनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुदुम्बी। इन्हीं का नाम वासुदेव है। कौन? इन्हीं का नाम वासुदेव है। वासुदेव की सात पत्नियां थी, उनकी सप्तम पत्नी देवकी, और देवकी के गर्भ से आठ संतानें। बोली राधा कृष्ण भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज 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 ओ महाराज, महाराज लगे पड़े। और उनके जे पुत्र थे, उनके जे पुत्र थे, परीक्षित उनके जे पुत्र थे, महाराज 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 ओ महाराज। सुखदेव जी बोले, अरे क्या हुआ महाराज? एक प्रश्न है, प्रश्न कर रहा हूं। अब प्रश्न किया, निवेदन है। आप बहुत देर से कहे जा रहे हो और हम सुने जा रहे हैं। प्रश्न कर दिया, कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो राज्ञां चो वै वंशयानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य
नित्रा मुनि सत्तम तन्नाम सेनावतीर्ण विष्णु संशन। परिचित जी कहते हैं कि महाराज आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली सूक्ष्म में सुना दी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चंद्रवंश के राजाओं की कथा बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे गोविंद की चर्चा आई तब आप सीधे क्यों कहने वाले हो हम नहीं सुनेंगे? कैसे सुनोगे? विस्तार से, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़े से विस्तार से बस। फिर क्या, थोड़ा सा विस्तार। ठाकुर जी आए कि आरती हुई और फिर जहां से भी बधाई मांगन नहीं, फिर हमारी कथा कहोगे सुनने है क्या? क्या हुआ महाराज? इतनी चटपट नहीं, थोड़ा सा विस्तार से कथा सुनाइए। उतावला बैठा उनकी कथा जानना चाहता हूँ। परम धर्मशील महाराज, यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ? देखिए ये जो महिमा है, ये चरित्र है, ये स्वरूप है मेरे कृष्ण का, साधारण नहीं है ये। मान लीजिए, आप ध्यान दीजिए, शायद है मेरे कृष्ण के बराबर किसी देवी का भी श्रृंगार हो, शायद। इतना श्रृंगार, इतना सौंदर्य, इतनी आओ भगत शायद किसी ने की हो, करवाई हो और होता हो। देखिए निधिबंजी में, मधुबंजी में बेड है बढ़िया फर्स्ट क्लास महाराज का, पान रखा जाता है, दातौन रखी जाती है, बिस्तर लगाए जाते हैं। सुबह आज भी आते हैं वहां, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले महाराज हमें बहुत कुछ सुनना है। सुखदेव जी बोले बताओ परीक्षित, तुम्हें क्या क्या सुनना है? वो सब सुनाएंगे। अब परीक्षित कहते हैं महाराज खुल के बोले कि बंदी किया था कंस ने क्यों देव की वसुदेव को, और हरि सूत्र बने उनके किया कैसे सुखी सब देव को, और नंद के घर किस तरह पहुंचे कहो श्री चक्रधर। समझ में आ रहा ना आपको? और पूतनादिक बद कहो कैसे किया रहे नंद घर, उनके घर में नंद बाबा के घर में रहकर ये पूतनादिक बद कैसे किए, ये भी सुनना है। बोले और, बोले दधी चुरा कर किस तरह खाते रहे घन श्याम जी, ये दही कैसे चुराते थे, चोरी कैसे करते थे और कैसे खाते थे, ये भी सुनना है। बोले गौएं चराने में कैसे साथी बने बलराम जी, मुरली बजा कर गोपियों में रास कैसे रचा, और गिर उठा कर डूबते ब्रज को कैसे लिया बचा, कैसे ब्रज को बचा लिया गिरिराज को उठाकर, वालियों के वस्त्र कैसे जाए जमुना तट हरे, अकूंद काली दल में अकूंद काली दह में नाथ्यो नाग कैसे श्री हरि, ये भी सुनना है। बोले और द्वारिका कैसे गए संग त्याग गोपी ग्वालिकों, और भी जो कुछ चरित कहिए गुनी नंदलाल को, और भी जो कुछ चरित कहिए गुनी नंदलाल को। सुखदेव जी महाराज बोले सुनिए परीक्षित, राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, विस्तार भी है और शुभ भी, सूक्ष्म भी है, संकलन है। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे तो समझ में आएगी एक एक बात। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं परीक्षित कि मथुरा पूरी प्रसिद्ध है और यमुना जी के तीर, बात कह रहा हूं अपनी, ये नहीं कि आपको संगीत में हो रहा है, नहीं। मथुरापुरी प्रसिद्ध है और यमुना जी के तीर, और
बोले उग्रसेन नृपते वहां वयो वृद्ध गंभीर। यमुनापुरी है, प्रसिद्ध है यमुनापुरी में, मथुरापुरी में एक यमुना जी का तट है, वहां राजा उग्रसेन है जो राज्य करते हैं। बड़े वृद्ध हैं, गंभीर हैं, मतलब बुजुर्ग भी हैं और गंभीर हैं। और कंस उन्हीं का पुत्र था, देश विदित युवराज, इनका बेटा है। क्या नाम है? बोले कंस, युवराज है। बोले वही लड़ता राज्य का, करता था सब काज, वही सारे कामों को करता था। उग्रसेन के एक थे, उग्रसेन महाराज के एक थे, कौन? देवक नामक भ्रात, देवक नाम के भाई थे उग्रसेन के। और सुता उन्हीं की देवकी है, घर घर होत विख्यात। देवकी माता को सब जानते हैं, वो देवक नामक राजा की पुत्री थी, उग्रसेन के भाई की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवकी जब विवाह के योग्य हुई, देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो उग्रसेन ने इनका विवाह सूरसेन के पुत्र वासुदेव से तय कर दिया। किससे? वासुदेव से। बारात लेकर वासुदेव जी आए, ले अगवान बारात ही आए, बारात दरवाजे पे आ गई, स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, सब हुआ। दिवस सब ही जनवास सुहाए, बढ़िया जनवासा बना हुआ है, सब बढ़िया सुसज्जित विवाह हुआ है, बढ़िया सब कुछ हुआ है, विवाह संपूर्ण हुआ, विदाई का समय आया। उसी समय उग्रसेन का पुत्र कौन? बोले कंस। बोले कैसा? बोले बड़ा क्रूर, बड़ा निर्दयी, विचार करने लगा। आजकल हमारी छवि कुछ बिगड़ रही है भाई, विचार कर रहा है, आजकल हमारी छवि कुछ बिगड़ रही है, और घर में अच्छा कार हो रहा है, इसमें भाग बटा ले, इसमें हाथ बटा ले तो जो है कुछ कल्याण हो जाएगा, घर में थोड़ा सा मतलब नाम सही हो जाएगा कि नहीं, नहीं लोग हमें बड़ा क्रूर और निर्दयी कहने लगे। जैसे 10-15 मिनट, जैसे 10-15 मिनट की बात है खाली, ज्यादा देर की नहीं है। अगर 10-15 मिनट आलू टमाटर प्याज धनिया मेथी की बातें ना हो अगर, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं अब जो है माताएं कह रही हैं, अब तुम जन्म ही नहीं करा रहे, हम घंटन से इंतजार कर रहे है ना। लेकिन थोड़ा सा शांति का परिचय दे, कारण मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी ऐसे ही नहीं आ जाते, थोड़ा सा उनके लिए इंतजार करना पड़ता है ना। लेकिन आपका बड़ा ही स्नेह है मेरे गोविंद के प्रति, और मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लेकिन बस 10 मिनट की बात, जे कहो बहुत जल्दी कराए दे रहे, आज पहली बार ऐसी कोई कथा नहीं गई जिसमें 7 बजे से पहले भगवान आए हो। 12 बजे जन्म होता है वैसे तो, लेकिन कथा में बिना 7-6 के पहले हुए ही नहीं। ये सारे परमानेंटल चलते हैं मेरे साथ, गवाह है इस बात के। आज नाटक कर रहा है कंस, जिससे लोग इसे दयालु समझें। अरे नहीं नहीं, बहन का विवाह हो रहा है, भाई आया। हाँ, इसने भ्रात प्रेम का एक नाटक रचा कंस ने। कैसा? कि जिस दिन वसुदेव से हुआ उसका विवाह, बड़ा सभी के हृदय में अति अपार उत्साह है, और विदा हुई रथ पर चढ़े दंपति बरसानंद। दोनों वासुदेव और देवकी रथ पर चढ़े, भाई विदा होने लगी तो कंस पकड़ कर ले गया अपनी बहन देवकी को। अरे बहना चलो ना, मैं छोड़ के आता हूं, आता हूं। रथ पर गया, देखिए पहुंचाने कुछ दूर तक चला कंस मति मंद, तभी अचानक से आकाशवाणी हो गई। क्या
ही प्रहिणम कंस महाभाष्यः शरीरवाक अस्यास्वत्वमस्तम्यो गर्भान्तायाम वहसे अवध। आकाशवाणी हुई, क्या आकाशवाणी हुई कि अरे कंस इस देवी की का ही अस्तम लाल, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल रे भैया, होगा तेरा काल। कंस ने कहा आए थे दयालुता दिखाने, ये क्या हो रहा है? अरे कौन है, कौन ये मजाक कर रहा है? आवाज आई फिर से दोबारा साकाश बनी हुई, अरे कंस इस देवी की का ही अस्तम लाल, और हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल रे भैया, होगा तेरा काल। आकाश समझ गया, आकाशवाणी हो रही, अरे खतरा। तुरंत क्या किया, खींचा रथ से बहन को केस पकड़ तत्काल, और आया खड़क निकाल कर छाती पर चंडाल। देखी ने अपने चचेरे भाई कंस का व्यवहार देखा कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो? वह अवेला वह नव विवाहिता होकर मोचक्की सी कांप उठी, कांप गई, अरे भैया ये अभी तो बड़ा प्यार बड़ा स्नेह दिखा रहे थे, एकदम से क्या हो गया? भारत की नारी जब कांपी तो माता पृथ्वी ही कांप उठी। आज देवकी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। बाल पकड़ लिए द्रौपदी के, खींच रहा है रथ से। क्या क्या है इस चिल्लाट सी, गरमाया मुख मंडल सारा, और तब भाई भाई इस जंगल से भीगा सुहाग आंचल सारा। आज भाई भाई के आंसुओं से देवकी का आंचल भीगा जा रहा है, लेकिन कंस देवकी की एक नहीं सुन रहा। ये सब जब देवकी के पति वासुदेव ने देखा कंस की ये दुष्टता, कि आज कंस ने गर्दन पे देवकी के तलवार रख दी, तो कूद पड़ा रथ से तभी, और अरुअबला का नाथ क्या, अरे कूद पड़ा रथ से तभी अरुअबला का नाथ, और खड़क धार पर रख दिया अपना दाया हाथ, अरे खड़क धार पर रख दिया अपना दाया हाथ। एकंस तुम मेरी पत्नी को नहीं मार सकते, मैंने अभी अभी वचन दिया है, तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव मेरा दाया हाथ उठता रहेगा, तुम पर नहीं तुम्हारी रक्षा में। और कंस ध्यान दो, तब वासुदेव कंस से कह रहे हैं कि फिर कहा हुआ क्या आज तुम्हें, एक बात तो बतलाओ कि आज तुम्हें हो क्या गया भाई? फिर कहा हुआ क्या आज तुम्हें जो यूं आपे से बाहर हो, और बगनी पर खड़क चलाते हो, तुम वीर नहीं तुम कायर हो। बगनी पर खड़क चलाते हो, तुम वीर नहीं तुम कायर हो। बगनी पर चलाते हो, तुम वीर नहीं तुम कायर हो। और कोई भी देख नहीं सकता, ध्यान दीजिए,
कोई संसार में ऐसा पति नहीं है, कोई भी कोई भी कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, अपनी पत्नी की इस प्रकार से दुर्दशा, उसका भाई उसको मार रहा हो पति के सामने ना। यो तो विवाह मंडप पर ही बनती है चिता सुहागन की, कंस बोला नहीं देख सकती अगर तो आके लो फोड़। कंस कह रहा है नहीं देख सकते अगर तो आके ले हो फोड़, और इतना कहकर दुष्ट ने खड़ग उधर दी मोड़, इतना कहकर दुष्ट ने उधर खड़ग दी मोड़। और फिर हो फिर घर जा तुम हिमायती हो, तो बहुत बड़े हमदर्द बन रहे, तो बहुत बड़े हिमायती हो। ओ फिर कर जा तुम हिमायती हो तो तुम भी यमपुर को जाओ, और जैसे